Hello friends, welcome back to YouTube channel of Vidhamya Classes. Today we are going to discuss thermochemistry and thermodynamics as a part of our chemistry webinar for JEE Mains 2020. Okay, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं thermochemistry और thermodynamics का डिस्कशन. इस पूरे वेबिनार में मैं nearly 30 क्वेश्चन जो आपके JEE Main 2019, JEE Main 2018 में कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत सारे जो JEE Main 2020 और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं जो मैं वेबिनार में साथ में लेके आया ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा आपका टाइम बगैर वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे वेबिनार और थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स. तो मैं सिंपलिसिटी के लिए अभी ये वेबिनार में जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ वो है थर्मोकेमिस्ट्री. तो स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से. फर्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री, जैसे ही थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बच्चों देखो हमें थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ बेसिक लॉस है वो समझने चाहिए. तो देखो बेसिक लॉस क्या है, सबसे पहला जो लॉ है वो है लेवोशियर लेप्लास लॉ. लेवोशियर लेप्लास लॉ वो क्या कहता है, अगर हमारे पास में कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें कोई प्रोसेस है जिसमें ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है, एक प्रोसेस है जिसमें ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है और इस प्रोसेस में द चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑफ एनर्जी, चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी के जो स्टेट फंक्शन है वो कौन कौन से हमारे कोर्स में, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गैस फ्री एनर्जी और एंट्रोपी. इसको याद रखने का तरीका क्या है, HUGS, HUGS मतलब हक्स, H मतलब एंथैल्पी, U मतलब इंटरनल एनर्जी, G मतलब गैस फ्री एनर्जी और S मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी. तो फिर से यहाँ पर आता हूँ टॉपिक पे. लेवोशियर लैप्लास लॉ क्या कहता है, अगर किसी प्रोसेस में जब हमें ए से बी कन्वर्जन कर रहे हैं then change in state function of energy is delta x. तो जब हम b से a जाएंगे, जब हम उल्टा जाएंगे, then change in state function of energy is minus of delta x. इतनी महान बात करी इसने, ठीक है, बिल्कुल बकवास सी बात है ये तो, और कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर मैं a से b जा रहा हूँ और चेंज ऑफ डेल्टा x है तो अगर मैं एग्जैक्टली उसी बात को यूज करते हुए फाइनली मैं b से a जा रहा हूँ तो मेरे पास में चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑफ एनर्जी भी कितना होगा, माइनस ऑफ डेल्टा x होगा. और ये लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, ये एंथैल्पी के चेंज के लिए वैलिड है, ये इंटेंसिटी के चेंज के लिए वैलिड है, ये गिब्स एनर्जी के चेंज के लिए वैलिड है और ये एंट्रोपी के चेंज के लिए वैलिड है. फर्स्ट लॉ जो थर्मोकेमिस्ट्री का है जो हमें आना चाहिए बहुत ही बेसिक है, वो कौन सा है, लेवोशियर लेप्लास लॉ, जो क्या बताता है, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा एक्स आ रहा है स्टेट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तरफ आने का जो चेंज होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा एक्स. अब जो सेकंड लॉ है थर्मोकेमिस्ट्री का वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवोशियर लेप्लास लॉ से, वो है हेस लॉ. अब देखो हेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं कहूं कि ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है, ओके, और बी का कन्वर्जन बाद में सी में हो रहा है, ए गॉट कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी गॉट कन्वर्टेड इनटू सी, पर मेरे पास में एक और रूट है जिसमें ए को मैं डायरेक्टली सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक और रूट है जिसमें ए को डायरेक्टली मैं सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ. अब अगर ए से बी में कन्वर्जन का ये जो स्टेप है इसमें स्टेट फंक्शन का जो चेंज आ रहा है, स्टेट फंक्शन टर्म्स ऑफ एनर्जी का जो चेंज आ रहा है वो है डेल्टा एक्स वन, अगर बी से सी का जो चेंज है वो है डेल्टा एक्स टू, और जो ए से सी जो डायरेक्ट चेंज है वो है डेल्टा एक्स थ्री. तो हम अकॉर्डिंग टू हेस्ट्रो क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स थ्री इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू. फिर से हैस लॉ कौन कौन से मेरे स्टेट फंक्शन के लिए यहाँ पर वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर दोस फोर स्टेट फंक्शंस, एच यू जी एस हक्स, एंथैल्पी चेंज, इंटेंसिटी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज के लिए हैस लॉ वैलिड है. अब देखो इस पर बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन क्रिएट करा, उस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या हमारे पास में, डेल्टा एच सॉल्वेशन, डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉलिड, बेरियम क्लोराइड सॉलिड मतलब मेरे पास में ट्राई सॉल्ट है, इसका डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन आपको दिया है -20 किलो जूल पर मोल. अगर मैं एक मोल बेरियम क्लोराइड को पानी में पूरी तरीके से डिसोल्व करूं, है ना, एक मोल ड्राई बेरियम क्लोराइड को पानी में पूरी तरीके से डिसोल्व करो तो प्रोसेस का जो एनर्जी मेरे पास में आएगा -20 किलो जूल आएगा, ये बता रहा है. आगे डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन ऑफ BaCl2.2H2O सॉलिड, मतलब क्या है, BaCl2H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट सॉल्ट हो जाएगा. तो अगर BaCl2H2O वेट सॉल्ट को डिसोल्व करने का जो एक मोल को डिसोल्व करने का जो एनर्जी चेंज है वो है मेरे पास में +10 किलो जूल. तो कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन ऑफ BaCl2.
ये क्वेश्चन प्योरली जो है ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखा है, और ये क्वेश्चन जो प्योरली है वो हैस लॉ का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें करना क्या है, स्टेप्स कौन कौन से हो रहे हैं। बेरियम क्लोराइड सॉलिड जो है इसका जब हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन से मिलेगा BaCl2.2H2O सॉलिड, क्योंकि ये हाइड्रेशन हो गया। फिर अगर BaCl2.2H2O सॉलिड को और ज्यादा पानी में डिजोल्व करेंगे तो अब उसका होगा सॉल्वेशन। तो पहला स्टेप हमारे पास में क्या है, जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो रहा है ये हमारे पास हो रहा है हाइड्रेशन ऑफ द ड्राई सॉल्ट। फिर ये जो सेकेंड स्टेप हमारे पास में हो रहा है इट इज सॉल्वेशन ऑफ द वेट सॉल्ट, और ये जो पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पर हुआ इट इज सॉल्वेशन ऑफ द ड्राई सॉल्ट। क्या है, सॉल्वेशन ऑफ द ड्राई सॉल्ट। फिर से मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ का एंथैल्पी का चेंज और यहाँ एंथैल्पी चेंज जो हुआ है, इन दोनों एंथैल्पी चेंज को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल एंथैल्पी चेंज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हेस। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन, डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन ऑफ ड्राई सॉल्ट कितना होगा, डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन ऑफ ड्राई सॉल्ट प्लस डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन ऑफ दी वेट सॉल्ट। ऐसा करने के लिए बस हम वैल्यूज लगा देते हैं, तो वैल्यूज अगर लगाए तो मेरे पास में आ जाएगा डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन जो है बच्चों ऑफ ड्राई सॉल्ट वो दे रखा है मेरे पास में -20। डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस मेरे पास में डेल्टा एच नॉट सॉल्वेशन ऑफ वेट सॉल्ट दिया है 10, तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन ऑफ ड्राई सॉल्ट वो कितना आ जाएगा, -30 किलो जूल पर मोल। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल सा हैस लॉ का एप्लीकेशन है। फिर से हैस लॉ देखते हैं वो कौन कौन से स्टेट फंक्शन पर वैलिड है। हैस लॉ इज वैलिड फॉर फोर स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन आपको याद हो जाने चाहिए वो कौन से हैं, HUGS एंथैल्पी चेंज, इंटेंजी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट लॉ हमारे पास में आता है जो इन दोनों लॉ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो लॉ हमारे पास में कौन सा है, किरचॉफ लॉ, जिसको बोलेंगे किरचॉफ इक्वेशन फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। देखो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि जो हमारे पास में एंथैल्पी है, जैसे किसी और साइंटिस्ट ने कहा था, किरचॉफ तो उसको यूज कर रहा था, तो इसने कहा कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या लिखा है, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर मैं फिक्स्ड टेम्परेचर पे हूँ तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा एट फिक्स टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हीट कैपेसिटी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हीट कैपेसिटी। आगे यहाँ पर क्या है, हियर सीपी डैश इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी डैश इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब अगर मैं सब्सटेंस को फिक्स रखो, दैट मींस अगर मैं हीट कैपेसिटी को फिक्स रखो, तो मेरे पास में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है और हीट कैपेसिटी फिक्स है, तो मेरे पास में डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डैश डेल्टा टी। फिर से रिपीट करता हूँ, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो हीट कैपेसिटी के चेंज पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच इज इक्वल टू टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हीट कैपेसिटी। फिर यहाँ पर सीपी डैश क्या है, वो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। पर अगर आप क्या करें कि सब्सटेंस को फिक्स रखें, दैट मीन्स हीट कैपेसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, अगर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है तो मेरे पास में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, सीपी डैश डेल्टा टी। इसी तरीके से किरचॉफ ने कहा जो इंटरनल एनर्जी है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जैसा एच के लिए डिफाइन करा वैसे यू के लिए डिफाइन करा है। यहाँ पर क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फिर से अगर टेम्परेचर को फिक्स रखें तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो एक्चुअली इस हीट कैपेसिटी का चेंज है, तो यहाँ पे कहेंगे द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पर सीवी डैश क्या हो जाएगा, इट इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फिर अगर मैं सब्सटेंस को फिक्स रखू तो सीवी डैश फिक्स रहेगा, अगर सीवी डैश फिक्स है तो अब इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए टेम्परेचर को चेंज करना ही पड़ेगा, तो अब एक नया एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डैश डेल्टा टी। फिर से देखो बोलता हूँ, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो एंथैल्पी का चेंज कितना हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा सीपी डैश, और अगर मेरे पास में सब्सटेंस फिक्स है तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा सीपी डैश मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी।
इंटर एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो मेरे पास में डेल्टा यू हो जाएगा टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा सीवी डैश। और अगर हमारे पास में सीवी डैश फिक्स है, अगर सब्सटेंस जो है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, उस केस में इंटर एनर्जी का जो चेंज है वो हो जाएगा मेरे पास में सीवी डैश इंटू डेल्टा टी। ये जो हीट कैपेसिटीज होती है सीपी डैश और सीवी डैश, इसके वैल्यू कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो देखो फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल फॉर्मूला पर डिपेंड करती है। अगर आप केमिकल फॉर्मूला चेंज करेंगे तो हीट कैपेसिटी चेंज होगी। ओके, ये फेज ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करती है। जैसे H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड दोनों में है तो H2O, केमिकल फॉर्मूला मैंने सेम रखा बट फेज मैंने चेंज कर दिया, इसलिए हीट कैपेसिटी चेंज होगी। फिर और साथ साथ में ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करती है, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अब आप बताओ जो चीज मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करे वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। दैट मींस ये जो हीट कैपेसिटीज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर वो कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं दो अलग अलग टेम्परेचर में निकालना चाहूँ, जैसे T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो T1 टेम्परेचर पे लिखूंगा एंथैल्पी चेंज, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे एंथैल्पी चेंज कितना होगा, T1 मल्टीप्लाई बाय सीपी डैश ऑफ द प्रोडक्ट बी माइनस सीपी डैश ऑफ द रिएक्टेंट ए। ओके, अब अगर मेरे पास में इनका ए और बी जो मेरे पास में दे रखे हैं इनके सीवी डैश की वैल्यू भी पता है, तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा T1 टेम्परेचर पे डेल्टा U1 इज इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई बाय सीवी डैश ऑफ बी माइनस सीवी डैश ऑफ ए। आगे अगर T2 टेम्परेचर पे आते हैं तो डेल्टा H2 मेरे पास में हो जाएगा T2 मल्टीप्लाई बाय CP डैश ऑफ B माइनस CP डैश ऑफ A। सिमिलरली मेरे पास में T2 टेम्परेचर पे डेल्टा U हो जाएगा T2 मल्टीप्लाई बाय CP डैश ऑफ B माइनस CP डैश ऑफ A। ये सिंपल से एक्सप्रेशन है जो हमने पहले पढ़े थे वहीं से आए हैं, पर ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे आ गए। इसके आगे अब देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा है जो भी आपको मैं बता देता हूं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हिच ऑफ द गिवन प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच भी जीरो है और डेल्टा यू भी जीरो है। तो देखो फिर से वो बात आती है, डेल्टा एच और डेल्टा यू कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं? डेल्टा एच और डेल्टा यू डिपेंड करते हैं टेम्परेचर में, साथ साथ डिपेंड करते हैं हीट कैपेसिटीज की वैल्यू। हीट कैपेसिटीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ये सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, और ये सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। अब पहले वाले की तरफ आते हैं, पहला वाला मेरे पास में क्या है, तो देखो अगर मैं कह रहा हूं कि जो H2O सॉलिड है उसको एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, क्या मैंने टेम्परेचर चेंज करा है? नहीं करा। क्या यहाँ पर मैंने सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला चेंज करा है? नहीं करा। अगर पूरा पूरा H2O सॉलिड पूरे तरीके से H2O लिक्विड में चला गया तो क्या मास चेंज हुआ? नहीं हुआ। बट यहाँ पर एक चीज चेंज हुई है, क्या है? फेज। अगर फेज चेंज होगा तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी चेंज होगी, और अगर हीट कैपेसिटी चेंज होगी बच्चों डेट मीन्स यहाँ पर एंथैल्पी चेंज का वैल्यू जीरो नहीं होगा और ना ही इंटेंसिटी का चेंज का वैल्यू जीरो होगा। तो इस पहले वाले प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है वो नॉट इक्वल टू जीरो और जो डेल्टा यू है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता था। सेकेंड, हाइड्रोजन गैस एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं करा, टेम्परेचर फिक्स है, H2 गैस रिएक्टेंट साइड में लिखा, H2 गैस मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा, जितना मास रिएक्टेंट साइड में उतना ही मास प्रोडक्ट साइड के, जो चीज रिएक्टेंट साइड में वही चीज प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर भी गैस है और यहाँ पर भी गैस है, तो क्या इस पूरे प्रोसेस में जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है सेकेंड वाला, क्या इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जीरो आएगा? नो डाउट आएगा, आराम से जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर फिक्स है, इस प्रोसेस में हीट कैपेसिटी की वैल्यूज भी क्या है, फिक्स। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच बच्चों क्या है, जीरो, और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू भी क्या है, जीरो। इसीलिए तो हम बोलते हैं दैट डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में उस डेफिनेशन के अंदर हीट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। थर्ड वाले की बात करते हैं, अगर मैं डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करूंगा तो बच्चों देखो केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कार्बन का तो कार्बन ही रहेगा, मास सेम रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहा, बट जो है फेस तो चेंज हो गया ना, फेस कैसे चेंज हुआ?
सॉलिड स्टेट जो होता है उसके भी तो दो अलग अलग फेज होते हैं, जैसे डायमंड एक अलग फेज है, ग्रेफाइट एक अलग फेज है। प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ वाले पर आते हैं, अगर मैं रोमिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करूं, फिर से वही वाला केस आ गया, सर क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम है, सर टेम्परेचर सेम है, सर यहाँ पर मेरे पास में जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट मेन चीज का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, फेज। तो सर यहाँ पर जो डेल्टा एच है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमारे क्वेश्चन के आंसर में मतलब सेकंड वाला आ रहा था, फर्स्ट नहीं आ रहा था, थर्ड नहीं आ रहा था, फोर्थ नहीं आ रहा था। अब फिफ्थ की तरफ आते हैं, मीथेन गैस प्लस टू ओ टू गैस एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर गिव सीओ टू एंड टू एच टू। अब क्या इस प्रोसेस में बच्चों केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया ना, नो डाउट हो गया। कैसे, रिएक्टेंट साइड में तो मीथेन और ओटू था और प्रोडक्ट साइड में सीओ टू और एच टू है, लेकिन मीथेन और ओटू और सीओ टू और एच टू की केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, दैट इज पक्का इस प्रोसेस में हीट कैपेसिटी चेंज हुआ है, और अगर हीट कैपेसिटी चेंज होगा तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जीरो नहीं है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू भी जीरो नहीं है, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सिक्स वाला, N2 प्लस 3H2 के ट्वाइस NH3, फिर से देखो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ है, और अगर केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा तो फिर से वही कंसेप्ट आएगा, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो। सेवन, H2O लिक्विड से H2O लिक्विड बनाया, ठीक है, और यहाँ पर H2O लिक्विड ही है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है और ये 50, तो केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, मास चेंज नहीं हुआ, क्या फेज चेंज हुआ, नहीं, क्योंकि दोनों लिक्विड ही है, H2O लिक्विड की बात हो रही है, बट टेम्परेचर तो चेंज हो गया ना, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो भी वहां यहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी का चेंज आएगा और इंटेंसिटी का चेंज आएगा, तो इसके लिए भी ये वाले रिलेशन करेक्ट है, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एट, H2 गैस से बना एक गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर पे 2H atoms, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला सेम है, नहीं सेम है, कैसे नहीं सेम है भाई, रिएक्टेंट साइड में तो H2 गैस है, क्या है भैया, रिएक्टेंट साइड में तो H2 गैस है और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम, H2 गैस अलग चीज होती है और हाइड्रोजन एटम अलग चीज होती है, तो भैया यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है, तो इस वाले के लिए भी डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैं आपको ये प्रूव करना चाहता था, आई डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट बनाने के लिए जो हमारे पास में IUPAC की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अगर एक मोल एक सब्सटेंस को क्रिएट करना है तो सब्सटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट का भी स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक मोल हाइड्रोजन गैस क्रिएट करनी है तो मुझे रिएक्टेंट साइड में भी एक मोल हाइड्रोजन गैस ही लेनी होगी, तो बताओ रिएक्टेंट साइड में एक मोल हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट साइड में एक मोल हाइड्रोजन गैस, टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं करा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो। इसलिए हम कहते हैं डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, ओके, ग्रेफाइट आर ऑल इक्वल टू जीरो। ओके, आगे बढ़ो, नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक जनरल रिलेशन है, क्या डेल्टा एच इजिकल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इजिकल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी, डेल्टा एच इजिकल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी। देखो रिलेशन आया कहाँ से, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेल्महोल्ट्ज़, और वही हेल्महोल्ट्ज़ है उसने क्या करा था, एंथैल्पी को बताया था, तो एंथैल्पी का सिंबल देखो क्या है, एच, और एच किसने दिया था, हेल्महोल्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उसने कहा था एंथैल्पी होता है यू प्लस पीवी, एंथैल्पी इजिकल्स टू यू प्लस पीवी। तो एंथैल्पी का चेंज क्या होगा, एंथैल्पी का चेंज होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये सबसे जनरलाइज एक्सप्रेशन है एंथैल्पी चेंज का। ओके, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इजिकल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये आ गया हमारे पास में। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा तो इसको बाहर निकाल दूंगा। देखो कांस्टेंट प्रेशर की बात कहां से आती है, हेल्महोल्ट्ज़ ने कहां से करी, हेल्महोल्ट्ज़ जो कह रहा था वो कह रहा था कि एक रिएक्शन के दौरान जो हीट लिबरेट हो रही है या जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको उसने नाम क्या दिया, एंथैल्पी नाम दिया, जो हीट लिबरेट हो रही है, जो हीट एब्जॉर्ब है उसका नाम क्या दिया, एंथैल्पी। अब अगर आप किसी केमिकल प्रोसेस का लेबोरेटरी में स्टडी करोगे तो लेबोरेटरी में जब स्टडी करोगे तो फ्लास्क तो ओपन होगा ना, अगर फ्लास्क ओपन नहीं होगा तो रिएक्टेंट वगैरह कैसे ऐड करोगे आपस, अगर फ्लास्क ओपन होगा तो ओपन फ्लास्क में प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट,
इसलिए जब हेलमोल्ट्ज़ जो है एंथैल्पी को डिफाइन कर रहा था तो वो कह रहा था कि प्रेशर को कांस्टेंट रखो, है ना। ये तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी उसने दिया, पर उसने कहा अगर आप प्रैक्टिकली एंथैल्पी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रेशर क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे। तो इस केस में इसने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। उसके बाद फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस, अगर किसी रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होती हैं तो पी डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा मेरे पास में, डेल्टा एन जी आर टी। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हो रही है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम का चेंज होगा एक्चुअली वो गैस जो गैसेस ले रखी है उनके मोलर क्वांटिटी का चेंज। तो व्हाट इज डेल्टा एन जी, इंपॉर्टेंट है देखो ये बच्चों, व्हाट इज डेल्टा एन जी, इट इज चेंज इन मोलर क्वांटिटी ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट इज अ चेंज इन मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कई बार हम धोखा खा जाते हैं, कैसे धोखा खा जाते हैं, हम डेल्टा एन जी को केवल क्या मान लेते हैं, प्रोडक्ट साइड के गैसेस के कोफिशिएंट माइनस लेफ्ट हैंड साइड के गैस के कोफिशिएंट, पर हम वो तभी यूज करेंगे, वो वाला कंसेप्ट हम तभी यूज करेंगे जब कोई हमें कहे कि जो रिएक्टेंट साइड में जो जितना कोफिशिएंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग, जितना कोफिशिएंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग मोलर क्वांटिटी भी है। ओके, अगर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मोलर क्वांटिटी नहीं ली है, अगर रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बच्चों डेल्टा एन जी याद रखना, व्हाट इज डेल्टा एन जी एक्चुअली क्या होता है, इट इज चेंज इन मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो अब डेल्टा एच क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर। अब ढंग से बात सुनना, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, इट इज हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी चेंज इज हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। प्रैक्टिकली अगर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपन वेसल का यूज करना पड़ेगा, जब ओपन वेसल का यूज करेंगे तो उस ओपन वेसल को बोलते हैं बच्चों बॉम कैलोरी मीटर, क्या बोलते हैं उसको, बॉम कैलोरी मीटर। तो आप याद क्या रखेंगे, अगर कोई आपको कहे कि एक रिएक्शन बॉम कैलोमीटर में कराई है और बॉम कैलोमीटर में रिएक्शन कराने पे इतनी हीट लिबरेट हो रही है, जो हीट लिबरेट हो रही है वो एंथैल्पी चेंज है, फिर अब जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है डेल्टा यू जो है बच्चों उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं, अरे सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया बच्चों, कि डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं कप कैलोरीमीटर, क्योंकि वो ओपन वाला है तो बोलते हैं कप कैलोरीमीटर, तो जो ओपन वेसल वाला है उसको बोलते हैं कप कैलोरीमीटर। तो फिर से बोलता हूँ कि अगर एक कोई केमिकल रिएक्शन जो है आपने कप कैलोरीमीटर के अंदर कराई है या ओपन वेसल में कराई है और उस रिएक्शन का जो हीट लिबरेटेड है वो इतना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रखा है, जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली वो एंथैल्पी चेंज है, क्या है वो, एंथैल्पी चेंज। फिर अगर कोई आपको कहे कि एक रिएक्शन मैंने क्लोज वेसल में कराई है, डेट मीन मैंने बॉम कैलोरीमीटर में कराई है, और अगर बॉम कैलोरीमीटर में रिएक्शन कराई है तो जो हीट लिबरेट हो रही है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट लिबरेट हो रही है, तो उस केस में जो हीट लिबरेट हो रही है वो क्या होगा, डेल्टा यू होगा, क्या होगा, डेल्टा यू। ओवरऑल क्वेश्चन अगर बॉम कैलोरीमीटर का होगा तो जो गिवन हीट है वो डेल्टा यू है, ओवरऑल क्वेश्चन अगर कप कैलोरीमीटर का होगा तो जो गिवन हीट क्वेश्चन में होगी वो क्या होगी, डेल्टा एच होगी। तो अगर डेल्टा एच गिवन है तो आप डेल्टा यू निकाल सकते हैं, अगर डेल्टा यू गिवन है तो डेल्टा एच निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, आपको डेल्टा एन जी अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। डेल्टा एन जी में अगर आपने धोखा कर दिया तो आपके फालतू के मार्क्स का लॉस हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन देखो मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन टेम्परेचर आर 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन टेम्परेचर आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल इट्स टेम्परेचर बिकम 200 केल्विन। अगर सीवी का वैल्यू दे रखा है आइडियल गैस के लिए, कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा पीवी। देखो मैं कह रहा था ना डेल्टा पीवी भी इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है जो डेल्टा एच आएगा आइडियल गैस के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एच क्या लिखेंगे, एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि एक गैस डिफाइन कर रखी है, सिस्टम डिफाइन कर रखा है, सिस्टम डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास में जो सिस्टम की क्वांटिटी है फिक्स है, क्या लिखेंगे, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू बच्चों क्या लिखेंगे, एन सी वी डेल्टा टी, और साथ साथ में हमें क्या पता है जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी होता है, बस इसको सॉल्व करना ही तो रह गया। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
इसका पहले डेल्टा एच का वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा कितना मोल गैस है, 5 मोल गैस है। इसका सीपी वैल्यू कितना होगा, अगर मुझे सीवी वैल्यू पता है, आपको एक और पता होगा आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर है। तो बच्चों यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीवी प्लस आर। सीवी तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपको, 28। तो ये हो जाएगा 28 प्लस आर, आर की वैल्यू आप लगा देना। डेल्टा टी, यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज कितना है, टेम्परेचर 100 से 200 हो रहा है, तो डेल्टा टी कितना हो गया। फिर डेल्टा यू की वैल्यू निकालते, इसका डेल्टा यू देखो कितना हो जाएगा, मोलर अमाउंट कितना है 5, गैस का सीवी कितना दिया है 28, और जो टेम्परेचर का चेंज है वो कितना हो जाएगा, 100 से 200 इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो गया 100। अब अगर हम डेल्टा यू को किलो जूल में लिखे, क्योंकि बच्चा अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो किलो जूल में दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा यू किलो जूल और जूल में से दोनों में दिया है, एक ऑप्शन बी में वो जूल में भी दे रखा है, बाकी ऑप्शन ए और डी में उसको किलो जूल में दिया है, तो ये मेरे पास में देखो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 14 किलो जूल। तो डेल्टा यू तो बच्चों 14 किलो जूल आ रहा है, डेट मीन इस क्वेश्चन का आंसर या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी है। आगे चेक कर लेते हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एच को अगर आप पूरे तरीके से लिखें तो डेल्टा एच मेरे पास में क्या बन जाएगा, 5, 28, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 इन टर्म्स ऑफ जूल मल्टीप्लाई बाय 100। इसको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके चलो, ये 5 हो जाएगा, 28 और 8 ऐड करा मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये 28 और 8 मेरे पास में 36 हो जाएगा, ये हो गया 36.314। 36.314 का नियरली हाफ वैल्यू आएगा, 36.314 का अगर आप हाफ वैल्यू निकाले नियरली 18.157 इतना कुछ आना चाहिए, 18.1507 आना चाहिए, वैसे तो 18.15 लेके ही काम कर लेंगे। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास में 18.15 किलो जूल तो डेल्टा एच है, डेल्टा यू कितना है 14 किलो जूल। अब मुझे क्या निकालना है, जो डेल्टा पीवी निकालना है, तो जो डेल्टा पीवी आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलो जूल ही तो आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द गिवन प्रोसेस। आपको डेल्टा एन जी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके किसके प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डेल्टा एन जी की। तो देखो पहले पहले क्वेश्चन पर फोकस करो कि आपको मैंने कुछ दिया ही नहीं कि कितना एन टू लिया है, कितना एच टू लिया है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसका जो कोफिशियंट है उसी के बराबर मोलर क्वांटिटी मान लेते हैं। तो रिएक्शन के स्टार्ट होने पे 4 मोल गैस थी, कैसे, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल नाइट्रोजन। रिएक्शन के एंड होने पे 2 मोल गैस है, कौन सी, 2 मोल अमोनिया। तो इस प्रोसेस में सर जो डेल्टा एन जी आएगा वो आएगा 2 माइनस 4 मतलब -2 आएगा, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी करेंगे तो -2 आर टी। ओके, सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाले में फिर से देखो मैंने क्या करा, आपको ये नहीं बताया कि कितना मोलर क्वांटिटी मैंने उठाया है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे। इसमें अगर आप नोट करें तो गैस मेरे पास में रिएक्टेंट साइड में 7.5 मोल गैस थी और प्रोडक्ट साइड में 6 मोल क्या है, CO2 गैस है। इस रिएक्शन का भी डेल्टा एन जी जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये रखा है, 6 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा, 1.5। तो इसके लिए बच्चों जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस का 1.5 आरटी आएगा, सिंपल सा है, कर सकते हैं आप। फिर H2O लिक्विड से H2O गैस बना, तो रिएक्टेंट साइड में कितना मोल गैस है, रिएक्टेंट साइड में कितना मोल गैस है, 0। और प्रोडक्ट साइड में कितना मोल गैस होगा, अगर मैं 1 मोल H2O लिक्विड को 1 मोल H2O गैस में कन्वर्ट कर दूं तो प्रोडक्ट साइड में कितना मोल गैस होगा मेरे पास में, जी प्रोडक्ट साइड में 1 मोल गैस होगा। तो इसमें जो डेल्टा एन जी आएगा प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1, रिएक्टेंट साइड में 0, होता कितना आएगा, +1 आएगा। इसमें क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आरटी, इसका रिलेशन आ जाएगा थर्ड के लिए। फोर्थ के लिए निकालते हैं, H2O लिक्विड से H2O गैस बना और आपको दे रखा है कि 10 मोल है, कितना है 10 मोल। बच्चों आप अब भी क्या ये करेंगे, सर देखो प्रोडक्ट साइड में गैस का कोफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट साइड में गैस है ही नहीं, तो डेल्टा एन जी में 1 रख देता हूँ, गलत। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, डेल्टा एन जी एक्चुअली है क्या मेरे पास में, टोटल मोल्स ऑफ द गैस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ द गैस रिएक्टेड। तो यहाँ पर जो डेल्टा एन जी आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं 10 मोल वाटर को 10 मोल वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दूँ तो डेल्टा एन जी हो जाएगा 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू
10 आर टी आएगा, 10 आर टी। आगे, अगर कोई आपको कहे कि आपके पास में एक सॉलिड था, उस सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड का मास डब्ल्यू ग्राम था, सॉलिड का डेंसिटी डीएस है और लिक्विड का डेंसिटी डीएल है। अब इसमें आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन पूछो। इसके देखो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे काम कर रहे हैं आप, लिखेंगे तो ये डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा वी। बस आपको डेल्टा वी निकालना। डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वॉल्यूम का चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल मास, वॉल्यूम क्या होता है हमारे से, मास अपॉन डेंसिटी, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास में आ जाएगा इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज। इस वॉल्यूम चेंज को आगे आपको रखना हो, अगर क्वेश्चन प्रेशर दे रखा हो तो डेल्टा जो डेल्टा यू का पोलराइजेशन आ जाएगा। फिर अगर मेरे पास में कोई एक लिक्विड है एल, उस लिक्विड एल को मैंने टेम्परेचर T1 पे, T1 से टेम्परेचर T2 तक पहुंचा दिया, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डी दे रखा है, मतलब जो डेंसिटी है लिक्विड का वो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं हो रहा। अगर लिक्विड का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं हो रहा तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही ड्यू टू द कोर्स ऑफ द प्रोसेस तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा वी यहाँ पर कितना है, जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे वाले पास देखो, एक मोल एच टू और एक मोल आई टू गैस रिएक्टेंट साइड में थी, और प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, टू मोल एच आई गैस। तो मेरे पास में प्रोसेस का डेल्टा एन जी कितना होगा, जीरो। इसके लिए भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आएगा। फिर से बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप नोट कर लेना, क्या डेल्टा एन जी जो है वो क्या है मेरे पास में, डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या होता है, दैट मोल्स ऑफ द गैस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द गैस रिएक्टेंट इन द गिवन केमिकल। आगे क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑन कंबशन ऑफ 0.5 मोल ऑफ टोल्यूइन, 0.5 मोल ऑफ टोल्यूइन उठाया है इनसाइड बॉम कैलोरी मीटर इज 400 किलो जूल। अगर आधा मोल टोल्यूइन का कंबशन बॉम कैलोरी मीटर में कराया जाएगा तो जो हीट लिबरेट हो रही है वो है 400 किलो जूल। अगर आपको कहे और ये रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, फाइंड द मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ टोल्यूइन, मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ टोल्यूइन। देखो पहले क्या करेंगे, C7H8 प्लस O2, इससे सात कार्बन थे तो सात CO2 तो पक्का बनना है, आठ हाइड्रोजन थे तो चार H2O भी पक्का बनना ही है, फिर ऑक्सीजन एटम कितने काम आएंगे, सात CO2 मतलब 14 ऑक्सीजन एटम ही हो गए, चार H2O मतलब चार यहाँ पर हो गए, तो 14 और 4 कितने हो गए, 18। तो मेरे पास में हो जाएगा ये 9 times of O2। जो टोलिन होता है आप सबको पता है वो लिक्विड स्टेट में है, O2 गैसीय स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में, और H2O का लिक्विड स्टेट होगा। मुझे कैसे पता कि H2O का लिक्विड स्टेट होगा, क्योंकि मैंने टेम्परेचर का यूज करा, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो H2O का क्या होगा, लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूंगा तो देखो कैसे निकालू, ढंग से जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना। अगर मुझे कोई कहे कि डेल्टा यू नॉट निकालो इस रिएक्शन का, है ना, मोलर इंटर एनर्जी चेंज निकालो, आधे मोल के दौरान जो हीट लिबरेट हो रही है वो 400 किलो जूल है, तो एक मोल को कम्बशन करने पे जो हीट लिबरेट होगी तो टोटल वैल्यू डेल्टा यू का कितना आएगा, माइनस का 800 किलो। तो अब डेल्टा एनजी जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने पर मोल के फॉर्म में इसको लिख दिया तो 7 माइनस 9 कितना लिखेंगे, माइनस 2। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे लिख देंगे। डेल्टा यू में कितना दिया है, माइनस का 800, डेल्टा एन जी कितना है, माइनस का 2, आर का वैल्यू कितना है मेरे पास में, 8.314, और टेम्परेचर कितना है जी, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 300। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं आएगा आंसर, क्यों नहीं आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप एक बात तो भूल ही गए जी, ये किलो जूल में दे रखा है और ये आर की वैल्यू 8.314 तो जूल में होती है, भाई साहब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये गलतियां हमसे हो जाती है और हमको कब पता लगता है, पेपर के 5 दिन बाद, तो अपने सिर पे जोर से हाथ मारते ये क्या कर दिया था, है ना, क्योंकि बैठे बैठे मेरे मार्क्स चले। याद रखना डेल्टा एन जी आर टी में जो जोश के अंदर वैल्यू रखते हैं ऐसे आंसर मत निकाल देना, 1000 से डिवाइड पक्का करना तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके आगे नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास में थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है, इसको अगर आप समझ गए तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे।
वैसे थर्मोकेमिस्ट्री आप काफी स्ट्रांग होगी, बट इसको यूज करके आपके जो स्ट्रांग थर्मोकेमिस्ट्री है उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। थर्मोकेमिस्ट्री आपकी स्पॉन्टेनियस तो है, पर मैं थर्मोकेमिस्ट्री की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का। तो देखो क्या है, हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो देखो आप क्या यूज करेंगे, पहला स्टेप क्या है आपको, फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर क्या यूज करना है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। तो आपको करना क्या है कि जिस भी रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज पूछा है तुरंत उस रिएक्शन को लिख दें, समझ गए, जिस भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा है तुरंत उस रिएक्शन को लिख दें। सेकंड स्टेप क्या है, अब देखो क्या करो, जो रिएक्शन आप लिखेंगे उस रिएक्शन के जो कंपोनेंट्स है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनका कौन सा एंथैल्पी क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन है उसको कैटेगराइज करो। ओके नेक्स्ट क्या है, नाउ बाय यूजिंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ द एंथैल्पीज गिवन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनकी जो एंथैल्पी दे रखी है उसका कैटेगराइजेशन करो। अरे दो ही कैटेगरी होती है क्या, या तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा या वो कोई ना कोई डिकम्पोजिशन प्रोसेस की आपको एंथैल्पी देगा, रिएक्टेंट के रिएक्टेंट्स की भी देगा और वो प्रोडक्ट्स की भी देगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑल दोज एंथैल्पीज विल बी आइदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दोज कंपोनेंट्स और एंथैल्पी ऑफ देयर डिकम्पोजिशन। अब जो डिकम्पोजिशन एंथैल्पीज होती है वो कौन कौन सी हो सकती है, भाई रिएक्टेंट का कंबशन करेंगे तो डिकम्पोज ही कर रहे हैं तो कंबशन एंथैल्पी पॉसिबल है, प्रोडक्ट का भी कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिकम्पोज ही तो होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो सकता है, ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी हो सकता है, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी हो सकता है, और भी कुछ और एंथैल्पीज हो सकती होंगी और प्रोसेस होते होंगे जिससे सब्सटेंस को तोड़ते हैं। तो अलग तरीके जो डिकम्पोजिशन एंथैल्पी है अगर वो आपको गिवन है तो उसको ढंग से लिख देना है। आप क्या करेंगे, रिएक्शन को नोट कर देना, रिएक्शन लिख देना भाई ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे पास में आ गए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे लिख देना कि जो एंथैल्पी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन है वो कौन सी है। अगर एक भी कंपोनेंट की आपने एंथैल्पी आइडेंटिफाई कर दी तो बाकी सबकी कैटेगरी आपको पता लग जाएगी। सोचो अगर मैं एक रिएक्शन देता हूँ ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, अगर मैं कहूँ कि मैंने ए का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन दे रखा है, अब मुझे झक मार के बी सी और डी का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के बाद क्या निकल सकता है, डेल्टा एच रिएक्शन। अगर मैंने आपको ए का डेल्टा एच नॉट कंबशन दिया है तो अब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो बी सी और डी है उनका भी डेल्टा एच नॉट कंबशन दे रखा होगा, तभी क्या निकल पाएंगे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्लीज ये बात जो है आप अच्छे से समझ लें, क्या समझ लेंगे कि सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखने के बाद में जो भी उनके कंपोनेंट्स हैं उनकी एंथैल्पीज को कैटेगराइज करेंगे। हम कभी भी रिएक्शन की कैटेगरी डिसाइड नहीं करेंगे, आपको कोई भी रिएक्शन दे सकता है कि किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी का कंबशन हो रहा है, किसी का डिकम्पोजन हो रहा है, आप कभी रिएक्शन को कैटेगराइज मत करना, आप उस रिएक्शन के कंपोनेंट्स की दी गई एंथैल्पी को कैटेगराइज करना। ओके अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या है, जब आप कैटेगराइज कर लो उसके बाद इफ द गिवन एंथैल्पीज ऑफ द कंपोनेंट आर डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन देन यूज डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन दे रखा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर कोई डिकम्पोजन एंथैल्पी दे रखी है तो हम यूज करेंगे डेल्टा एच नॉट डिकम्पोजन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच नॉट डिकम्पोजन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो थर्मोकेमिस्ट्री की 80% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके अब देखो जैसे मैंने आपको डेटा दिया बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड। अगर आपको दिया कंबशन एंथैल्पी तो समेशन ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस समेशन ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड। ऐसे आपको दिया हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी तो समेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस समेशन ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है समझ गए आप लोग, आगे बढ़ो, आगे देखो क्या, कंपेयरिंग टू डिफरेंट आइसोमर्स और फेजेस और फॉर्म्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे पास में ए के सब्सटेंस के लेट दो अलग अलग आइसोमर्स हैं ए या बी, हो सकता है दो अलग फेज हैं ए और बी, या दो अलग मेरे पास में क्या है फॉर्म्स हैं उसकी ए और बी। दो अलग फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में एक कंपाउंड का है मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर
और मेरे पास में दूसरा चीज क्या बन जाएगा, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। एक ही कंपाउंड के दो अलग आइसोमर हो जाएंगे, जैसे एक्सेस आइसोमर एक ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। दो अलग फेज हो सकते हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर, बोरोफेरिक सल्फर, डायमंड और ग्रेफाइट। अब इस डायग्राम में अगर ढंग से नोट करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो किसका पोटेंशियल एनर्जी कम है? जीपी का पोटेंशियल एनर्जी कम है। जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? बीज मोर स्टेबल देन। अब इससे देखो ग्राफ से क्या क्या बातें समझ में आती है। अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जी एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो एनर्जी बढ़ती है। कौन से प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस और ऑटोमेशन प्रोसेस, और भी कोई प्रोसेस हो सकते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोसेस वगैरह एंडोथर्मिक होते हैं। अब देखो अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे तो बच्चों कौन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या बी? आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा बी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके फिर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, कैसे कैसे प्रोसेस? जैसे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सोथर्मिक होते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड एक्सोथर्मिक होते हैं। अब एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कंबशन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है? गलत सर, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता। तो किन का कंबशन एक्सोथर्मिक नहीं होता, किन का कंबशन एंडोथर्मिक होता है? नाइट्रोजन गैस का एंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन गैस के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना, जैसे N2O, NO वगैरह, NO2 वगैरह बनते हैं, इनके प्रोसेस जो है इसका डेल्टा एच नॉट फॉर्म होता है। तो ये कंबशन प्रोसेस एक तरीके से पर एंडोथर्मिक है। क्लोरीन और ओ2 गैस की रिएक्शन एंडोथर्मिक है। साथ साथ में अगर मैं किसी नोबल गैस का जैसे ज़ीनान वगैरह का मैं कंबशन कराने का ट्राई करूं तो वो प्रोसेस कैसा होगा? हाईली एंडोथर्मिक। तो जो कंबशन प्रोसेस है वो भी एंडोथर्मिक हो सकता है, पर यहां पर मैंने बोर्ड पे लिखा क्या है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, भाई साहब वो तो एक्सोथर्मिक ही आएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो होता है डबल बॉन्ड्स का, मल्टीपल बॉन्ड्स का, वो हाइड्रोजन प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक ही होता है। पर क्या हमेशा ही हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा? फिर से वही बात, गलत। कैसे? तुम ये क्या नोबल गैस का हाइड्रोजनेशन करके बता दोगे कैसे? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? नोबल गैस का हाइड्रोजनेशन आसानी से नहीं हो सकता, तो उनका हाइड्रोजन प्रोसेस कैसा होगा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओके पर अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो उनका हाइड्रोजनेशन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक ही आएगा। अब बताओ एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? ए ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या बी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? यहाँ पर है ए ज्यादा। तो अगर कोई आपको कहे आपको एंडोथर्म जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस की एनर्जी आपको दे दे, जैसे मैंने कहा ए की ऑटोमेशन एंथैल्पी दे रखी है और बी की भी दे रखी है, तो बताओ ए को बी में कन्वर्ट करने का एनर्जी कैसा होगा? जी नेगेटिव होगा। अगर ए को बी में कन्वर्ट करेंगे एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव। तो अगर मुझसे कोई कहे कि ए को बी में कन्वर्ट करने के एनर्जी की वैल्यू निकालो तो मैं क्या लिखूंगा? ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ ए माइनस ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ बी, क्योंकि तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मुझे इनके कंबशन की एंथैल्पी दे रखी हो या इनके हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी दे रखी हो तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? अगर मुझे ए से बी में कन्वर्जन करना है तो मुझे तो आंसर नेगेटिव निकालना है, क्योंकि ए से बी में कन्वर्जन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि ये प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, ये प्रोसेस में कम। तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? दैट द कंबशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ ए माइनस कंबशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। अब इसी को मैंने रेजोनेंस एनर्जी से जोड़ दिया। क्या जोड़ा? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? जब किसी कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, गलत बोला मैंने, फिर से बोलता हूं, जब किसी कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेजोनेंस एनर्जी। The amount of energy released during conversion of MsRs into Rs is known as resonance energy. अब देखो फिर से वही तो डायग्राम है, ए और बी की जगह मैंने क्या लिख दिया? MsRs और Rs। तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा? अगर ऑटोमेशन एंथैल्पी दे रखी है तो मैं लिखूंगा ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ MsRs माइनस ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ Rs, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मुझे कंबशन एंथैल्पी दे दे तो मैं क्या लिखूंगा? कंबशन एंथैल्पी ऑफ MsRs माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ आर एच गिव एनर्जी। आप ढंग से नोट करें, क्या ये एक्सप्रेशन ये नहीं बन गया कि ये मेरे पास में रिएक्टेंट है और ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे ही हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और इसका कन्वर्जन इसमें हो रहा है। तो अगर इसका कन्वर्जन इसमें हो रहा है तो एम एस आर एस का, अगर एम एस आर एस का मुझे ऑटोमेशन एंथैल्पी दिया है
और रेजोनेंस हाइब्रिड का मुझे ऑटोमेशन एंथैल्पी दिया है, तो ये तो रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तो मैं क्या लिखूंगा, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट साइड माइनस ऑटोमेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड। ओके, जो एम एस आर एस होता है उसकी जो भी वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड की वैल्यूज होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है बच्चों क्वेश्चन पे दे रखी होती है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करने पेपर में नहीं गए, आपको पेपर में आपको क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रखी है। ओके, अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑटोमेशन एंथैल्पी पूछे तो जाहिर सी बात है आर एच का वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, एम एस आर एस का कम होगा। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी पूछे तो एम एस आर एस का ज्यादा होगा और आर एच का कम होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंथैल्पी के। ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में आगे क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इफ एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड का मुझे ऑटोमेशन करना है, तो ढंग से मेरी बात सुनना, ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो एक्चुअली हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ कलेक्शन ऑफ गैसियस एटम्स, इसमें गैसियस एटम्स। कोई आपको कह रहा है दैट द ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Br2 लिक्विड इज x किलो जूल पर मोल एंड द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2 इज y किलो जूल। जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो गैसियस स्टेट में डिफाइन है और ऑटोमेशन एंथैल्पी तो किसी भी स्टेट में डिफाइन हो सकता है। तो आगे पूछ रहा है कि x और y में क्या रिलेशन आएगा, जो x और y है उनमें क्या रिलेशन आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन लिक्विड को ब्रोमीन एटम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इस प्रोसेस का जो एनर्जी है वो आपको दे रखा है एक्स किलो जूल पर मोल। और जब मैं ब्रोमीन के बॉन्ड तोड़ता हूँ, जब मैं ब्रोमीन के ब्रोमीन एटम के बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो बॉन्ड तोड़ने का जो एनर्जी है वो कितना है, वाई किलो जूल पर मोल। तो क्या आप देख के नहीं बता सकते सर, ये Br2 लिक्विड से Br तक जाने का जो स्टेप्स है ये भी एंडोथर्मिक स्टेप है, ये भी एंडोथर्मिक स्टेप है। तो Br2 लिक्विड से Br एटम तक जाने का जो एंडोथर्मिक स्टेप है वो हायर एनर्जी का एंडोथर्मिक स्टेप है, उसका एनर्जी है एक्स किलो जूल। और जो लोअर एंडोथर्मिक स्टेप है वो कौन सा है, बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी है Br2 से Br एटम का, उसका वैल्यू है वाई किलो जूल। नो डाउट मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। आप देख सकते हैं कि ये अभी आपने JEE मेन जनवरी में दिया था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास हो गया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 298 केल्विन ऑफ इथेन इन किलो जूल पर मोल, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन हाइड्रोजन इन ग्रेफाइट आर दिस। तो देखो फिर से क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, उन तीनों स्टेप्स का यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो आईयूपीएसी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आपको कोई भी सब्सटेंस को फॉर्म करना है तो सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट को कंबाइन करना है, स्टैंडर्ड स्टेट को कंबाइन करना है। तो अगर मुझे C2H6 1 मोल बनानी है तो मुझे 2 मोल ग्रेफाइट चाहिए और 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो C2H6 बनेगा। तो मैंने पहला स्टेप लिख दिया, उसके बाद में मुझे क्या करना है कि जो एंथैल्पी दे रही है उनको कैटेगराइज करना है। एंथैल्पी कौन सी दी है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, इथेन एक कंपोनेंट है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट कंपोनेंट्स हैं। तो मुझे गिवन एंथैल्पीज कौन सी है, जो गिवन एंथैल्पीज हैं बच्चों वो तो डीकंपोजिशन एंथैल्पी है। कौन सी एंथैल्पी है, डीकंपोजिशन। अब आप बताओ अगर डीकंपोजिशन एंथैल्पी दे रखी होती है तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, देन डेल्टा एच रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल डीकंपोजिशन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट साइड माइनस टोटल डीकंपोजिशन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट साइड। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ इथेन गैस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ, थोड़ा मैंने गलत लिखा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ C2H6। डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ ग्रेफाइट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, ग्रेफाइट का दिया है माइनस का 286, माइनस 286 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, माइनस 393.15 मल्टीप्लाई बाय 393.15। डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ जो आपको इथेन दिया है वो कितना दिया, माइनस का 1500 किलो जूल। बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन तो सॉलिड होता है, आयोडीन का हमने सब्लिमेशन करा है, सब्लिमेशन करने से क्या बन जाएगा, इफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन
इज 24 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम सॉलिड आयोडीन को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करने का जो एनर्जी है वो है 24 कैलोरी पर ग्राम। केवल वेपर में कन्वर्ट कराए, आई टू को तोड़ा नहीं है। आगे, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आई टू सॉलिड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आई टू वेपर्स आर 0.055 एंड 0.031 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स रेस्पेक्टिवली, देन एंथैल्पी ऑफ सप्लीमेशन ऑफ आयोडीन एट 250 डिग्री सेल्सियस इन कैलोरी ग्राम इनवर्स कितना। तो देखो क्या करना है, किरचॉफ इक्वेशन का तो यहाँ पर यूज करना है। किरचॉफ इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाती है मेरे पास में, अगर मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज निकालू, है ना, जैसे एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, एक गिवन टेम्परेचर पे हो जाएगा मेरे पास में चेंज इन हीट कैपेसिटी या चेंज इन स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। मेरे पास में अगर डेल्टा एच वन की बात करें, डेल्टा एच वन कितना हो जाएगा, टी वन इंटू डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच टू की बात करें तो हो जाएगा टी टू इंटू डेल्टा एस। तो अगर कोई आपको कहे कि डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन कितना होगा, तो डेल्टा एस तो कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करें, क्वेश्चन में डेल्टा एच वन गिवन है, क्वेश्चन में जो हीट इसमें स्पेसिफिक हीट का चेंज है वो तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे चेंज हुआ है, इसका जो वैल्यू है वेपर का वो है 0.555, 0.55, और जो सॉलिड का है वो 0.31। क्या मैंने उल्टा लिख दिया है? जी बिल्कुल मैंने उल्टा लिखा है। कैसे उल्टा लिखा है, इसमें सर जो वेपर का वैल्यू दे रखा है, जो सॉलिड का वैल्यू दिया है वो है 0.55 और जो वेपर का वैल्यू दिया है वो 0.03। तो बस आप इसका ये हीट कैपेसिटी का चेंज निकाल देना, वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, फाइनल वैल्यू जो है वो कितना है 0.031 माइनस 0.55। तो डेल्टा एस जो आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस नेगेटिव वैल्यू को आप रखना, टी टू और टी वन क्वेश्चन में गिवन है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है व्हेन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन लिक्विड इज कैरीड आउट एट टेम्परेचर टी। देखो यहाँ पर मैंने हेप्टेन लिक्विड का कंबशन करा दिया, हेप्टेन का अगर कंबशन कराएंगे तो 12 O2 गैस काम आएगा, उससे बनेगा 7 O2 गैस और साथ में क्या बनेगा 8 H2 ये बन जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन का, इस प्रोसेस का मुझे निकालना है डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना होगा, प्रोडक्ट साइड में कितना है 7 और रिएक्टेंट साइड में कितना है 12। मैंने इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करा, आप ढंग से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आप केवल 1 मोल हेप्टेन तो दे रखा है, अगर 1 मोल हेप्टेन का कंबशन होगा तो 7 मोल CO2 बनेगा और 12 मोल काम आएगा। तो 7 माइनस 12 इसका डेल्टा एन कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा -5। तो अब आपको निकालना है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो मेरे पास में डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है -5 आर टी। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का जो वैल्यू आ जाएगा -5 आर टी। क्या इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन -5 आर टी आपको दे रखा है क्या? ठीक है, इसमें ये 1 मोल ऑफ हेप्टेन लिक्विड इज कैरीड आउट एट टेंपरेचर टी इज गिवन बाय, इसमें ये बन जाएगा 7 और 8 H2, इसमें माइनस ऑफ 5 आर टी, 7 माइनस, शायद मैंने O2 की कैलकुलेशन गलत करी है, एक बार मुझे चेक करने दो। जो O2 मेरे पास में है यहाँ पर जो काम आ रहा है वो 14 O2 हो गया, 14 ऑक्सीजन एटम हो गए, 14 और 8 कितना हो गया यहाँ पर 22 हो गया। अरे 22 हो गया तो बच्चों ये 11 होगा ना, गलत कर दिया। अगर 11 होगा तो 7 माइनस 11 कितना होगा 4, तो आएगा माइनस ऑफ 4 RT, क्या होगा माइनस ऑफ 4 RT। ओके तो माइनस 4 RT यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अगर आपको कोई कह रहा है कि ग्रेफाइट का कंबशन करा और CO गैस बना रहे हैं, उसका डेल्टा एच आपको एक्स किलो जूल पर मोल दिया है, ग्रेफाइट का कंबशन करा और CO2 गैस बना रहे हैं, तो देखो ये लिखा ही गलत है, इसमें O2 नीचे आना चाहिए था और हाफ हुए ऊपर आना चाहिए था और उसका हो जाएगा वाई हो जाएगा। और अगर CO का कंबशन करा और CO2 बनाया तो जेड दे रखा है। ओवरऑल इसको देखो, बस इस प्रिंटिंग मिस्टेक को हमने करेक्ट कर दिया, काम प्रिंटिंग मिस्टेक थी यहाँ पर, इसको करेक्ट कर दिया, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में देखो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्वेश्चन है क्या कि जब ग्रेफाइट जो है, ये जो ग्रेफाइट दे रखा है इसको जब CO गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं CO गैस में, कहाँ दे रखा है पहले वाली रिएक्शन, ग्रेफाइट को जब CO गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज है x। जब CO गैस को CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब
CO गैस को CO2 में कन्वर्ट करें तो इसका एंथैल्पी चेंज कितना है, और जब डायरेक्टली सी को CO2 में कन्वर्ट करें तो एंथैल्पी चेंज कितना है, वाई एस लो ही तो लगाना है, एस लो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, या एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट हो सकता है, पहला वाला एक्सप्रेशन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रॉन्ग, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, रॉन्ग, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन क्या है, टू टाइम्स ऑफ Fe2O3 सॉलिड गिव 4 Fe+3O2, इसका आपको डेल्टा जी दे रखा है ना, गिब्स एनर्जी चेंज आपको दे रखा है पर मोल दे रखा है। उसके बाद में 2CO गैस + O2 गैस गिव 2CO2, इसका डेल्टा जी भी आपको दे रखा है। आगे पूछा है द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी रिएक्शन फॉर। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि एक गड़बड़ है जो कई लोग कर देते हैं, ध्यान क्या रखना है, सोचो ये पर मोल तो ये किसका मोल है, ये पर मोल है, ये किसका मोल है ना, ये किसी के एक मोल को तो डिफाइन कर ही है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इस पर मोल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, किसी ने ऐसे उत्तेजित होकर ये पर मोल लिखा है, ये आंसर जो आपने लिखा है यहाँ पर, इस आंसर में भी पर मोल का कोई सिग्निफिकेंस, आप पर मोल पे फोकस करें। ओके अब देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन देखो आपको जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है, क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3 सॉलिड प्लस 6 टाइम्स ऑफ CO गैस गिव 4 टाइम्स ऑफ Fe सॉलिड प्लस 6 टाइम्स ऑफ CO गैस, ये आपको दे रहे। अब क्या आपको कहीं भी क्वेश्चन के अंदर 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3 का कन्वर्जन 4 टाइम्स ऑफ Fe में दे रखा है, कहां पर रिएक्शन में, क्या कहीं पर आपको 6 टाइम्स ऑफ CO गैस का 6 टाइम्स ऑफ CO2 में कन्वर्जन दिया है, 6 का तो नहीं दिया है सर, तो 2 का तो दिया है। अगर 2 का दिया है तो उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे ना, तो अब देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन बनी है रिक्वायर्ड रिएक्शन, ये एक्चुअली है क्या, Re1+3 टाइम्स ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी रिएक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा जी रिएक्शन 1+3 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन 2। बस आपको डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू ये बस वो लगा देनी, डेल्टा G1 की रिएक्शन लगा देनी और डेल्टा G2 रिएक्शन की वैल्यू लगा देनी है, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, याद रखना देखो डेल्टा G1 पॉजिटिव दे रखा है और डेल्टा G2 जो है वो नेगेटिव दे रखा है। ओके ज्यादा ऐसे मत कह देना कि सारे डेल्टा G नेगेटिव होते हैं। आगे बढ़ो, अब हमारे पास में आ गया थर्मोकेमिस्ट्री के खत्म करने के बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और पूरा थर्मोडायनेमिक्स ही बहुत ही केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थर्मो के डायनेमिक्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी है वो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज दो तरीके से, पहला तरीका क्या है, सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज करे, पहला तरीका सिस्टम सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज करे, और एक और तरीका क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई ना कोई मैकेनिज्म। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग प्लस द मैकेनिकल वर्क डन एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम एंड। अब यहाँ पर देखो क्या है, डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इट इज हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्यों क्या है मेरे पास में, इट इज हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो अगर देखो अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट अपनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो सिस्टम के लिए हीट एब्जॉर्ब करना एक पॉजिटिव प्रोसेस हुआ, इसलिए हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग की तरफ तो सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी का लॉस कर रहा है, उस केस में कहेंगे अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम के लिए एक तरीके से इंटर एनर्जी का क्या है वो डिक्रीज करने का काम कर रहा है, तो अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम है तो कैसे देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। फिर ये जो डब्ल्यू है वो यहाँ पर है मैकेनिकल वर्क, इट इज द मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्वड इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट इज मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्वड इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम अपनी एनर्जी को ही तो वर्क में कन्वर्ट करेगा,
सिस्टम अगर अपनी एनर्जी को बर्न आउट करेगा तो सिस्टम के लिए वो प्रोसेस कैसा होगा? नेगेटिव प्रोसेस। डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर आप काम करेंगे, मतलब वर्क डन बाय द सराउंडिंग हो गया, तो अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग हो जाएगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैसा ही बात है कि अगर सिस्टम हमारा नौकर है और हम लोग सराउंडिंग है, इसके अंदर क्या है, सिस्टम हमारा नौकर है और हम लोग सराउंडिंग। तो अगर आप अपने सर्वेंट से ज्यादा काम कराओगे तो सर्वेंट बेचारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव फील करेगा उदास। और अगर आप सर्वेंट के हाथ पैर दबाओगे, सर्वेंट को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा। ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। सिस्टम क्या है? हमारा नौकर है, हमारा सर्वेंट है, और हम क्या है, हम लोग वो सेल्फिश पर्सन है, वो सराउंडिंग है जो सारा काम है ना, इस सारे काम में हमारे। आगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम। ये देखो यहाँ पर क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज अ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो इसको लिखेंगे कैसे? यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन सी वी टी। इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू एन सी वी टी। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, तो बच्चों देखो, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का क्वांटिटी फिक्स है, आइडियल गैस है तो उसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है, उसका फेज चेंज हो नहीं सकता। तो एक आइडियल गैस की इंटर एनर्जी चेंज का फॉर्मूला हमेशा ही क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है? एन सी वी डेल्टा टी। अब बताओ, अगर मैं डेल्टा टी को जीरो कर दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, एक आइडियल गैस के लिए अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देंगे तो कोई तरीका नहीं है उसकी इंटर एनर्जी को चेंज कर सके। उस केस में उसकी इंटर एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। इसलिए एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटर एनर्जी का चेंज क्या हो जाता है? जीरो। इंटर एनर्जी कांस्टेंट टू टेम्परेचर। व्हाट इज सीवी? सीवी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का एक और एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना होता है? एफ बाई टू आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटेल में आपको क्लास में जो टीचिंग होती है उस टाइम से पढ़ा रखा है। अभी आप एक्सप्रेशन को याद रखते हैं, दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। ये एक बोल्ट्जमैन नाम का साइंटिस्ट था, उसका रिकमेंडेशन था, वहां से सब कुछ लिया। तो व्हाट इज एफ? इट्स अ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस पार्टिकल। क्या क्या होती है? अगर आपके पास में कोई मोनो एटॉमिक गैस हो तो मोनो एटॉमिक गैस केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रखता है। कौन सा? केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन। अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है तो लो टेम्परेचर पे ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा उसके अंदर? डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के साथ साथ में रोटेशनल भी होने लगेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के साथ में क्या हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 5। तो 2 इसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करने लग जाएगा, अगर वो वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर आ जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 6। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो उसका होता है एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो रूल है एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय 3 है, हम कह सकते हैं एफ टोटल जो है, ये मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उसने कहा था 3 × n होता है, जहां पर n क्या होता है? एटोमिसिटी। ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, याद रखना। क्या है ये? मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अगर एक डायटोमिक गैस की बात करें तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? जी डायटोमिक गैस है, एटोमिसिटी तो 2 होगा, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 6 आएगा। ट्राइटोमिक गैस के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 × 9 हो जाएगा। टेट्राएटोमिक गैस है, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस किसी की टेट्राएटोमिक गैस है, तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा यहाँ पर, है ना? 4 इसके एटम्स से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे कितना आ जाएगा? मिथेन का कितना होगा बता सकते हैं? जो मिथेन है हमारे पास में, मिथेन के अंदर है CH4, वो पेंटा एटोमिक है, तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 × 5 कितना आ जाएगा? और पॉली एटोमिक गैसेस लो टेम्परेचर पे 3 है, हाई टेम्परेचर पे 5 या 6 हो सकता है। कैसे? अगर वो लीनियर है, अगर वो लीनियर डायट लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो 5 होगा, और अगर वो नॉन लीनियर है तो 6 होगा। याद रख लेना, लीनियर है तो 5 होगा, नॉन लीनियर है तो 6 होगा। और अगर टेम्परेचर उसके आगे बढ़ा दें तो वो वाइब्रेशन भी करने लग जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 या 6 बस कर जाएगा। इस पर बेस देखो, हमारे इसमें जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर क्या है क्वेश्चन में क्या है? फॉर अ डाई एटोमिक गैस, ढंग से सभी बच्चे फोकस करें, क्या है? फॉर अ डाई एटोमिक गैस इन अ क्लोज सिस्टम, विच ऑफ फॉलोइंग प्लॉट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द
रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कौन सा ग्राफ गलत है वो बता रहा है। तो वो जो ग्राफ गलत है वो तुम्हें ऐसे ही बता सकते। कैसे? हम ये जो सीपी और सीवी लिखते हैं, सीपी सीवी आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो सीपी सीवी जो हीट कैपेसिटीज होती है वो सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करती है और साथ साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। अगर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है तो नो डाउट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो सीपी सीवी हमारे पास जो हीट कैपेसिटीज होती है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सिस्टम, ओके, एंड टेम्परेचर डिपेंड करेगी। तो ये प्रेशर वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। तो जो डी वाला ग्राफ है वो करेक्ट ग्राफ है, पर वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्योंकि हमें तो गलत को सेलेक्ट करना है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, गलत क्या है। सभी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या बनाते हैं कि गलत को सेलेक्ट करो, सही को सेलेक्ट मत करो। आजकल लाइफ में यही होता है, आपको कोई कहता है कि ये चार लोग हैं, इनमें से चारों में से जो गलत है उसको पहचानो। तो हम लोग क्या है, गलती आसानी से निकाल सकते हैं। हम किसी की अच्छाई बहुत कम ढूंढते हैं, हम लोगों की गलतियां ज्यादा ढूंढते हैं। तो इसमें गलत ढूंढो तुम। तो इसके अंदर देखो क्या है, जो सी है ना वो गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि सीपी का वैल्यू प्रेशर के साथ में लीनियरली वेरी करेगा। तो ये हमारे पास में एक इनकरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पर अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, ये दो ग्राफ ए और बी, देखो जो सीवी वैल्यू है वो कितना होता है, F/2R। अगर वो डायटोमिक गैस है तो लो टेम्परेचर पे वो जाएगा 3/2R, हाई टेम्परेचर करेंगे तो 5/2R। ओके, अब ढंग से नोट करें, देखो ये वेरिएशन कैसा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सीवी की एक वैल्यू फिक्स थी, जैसे ही हमने टेम्परेचर को एक फिक्स वैल्यू के बाद में बढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ, सीवी की वैल्यू अचानक ही बढ़ी, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम अचानक ही इंप्रूव हो गया, फिर ये सीवी की वैल्यू फिक्स है ना। सेम देखो इंटर एनर्जी क्या होती है, अभी हमने कहा था इंटर एनर्जी इक्वल्स टू एन सीवी, जो है एन सीवी टी होता है, इंटर एनर्जी इक्वल्स टू एन सीवी टी। अगर इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या है कि सीवी ओ टी दोनों आ रहे हैं ना, क्या क्या आ रहे हैं, सीवी ओ टी दोनों आ रहे हैं। तो बताओ अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो भाई सीवी तो बढ़ भी रहा होगा, अगर सीवी भी बढ़ेगा तो यू जो है वो थोड़ा सा तेजी से बढ़ेगा एज कम्पेरिजन टू सीवी। तो देखो जो ग्राफ है वो कैसा है, जहाँ पे सीवी थोड़ा हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, यू जो है थोड़ा सा स्लो पे बढ़ा। समझ रहे हैं? तो जो ए वाला ग्राफ है वो करेक्ट है, जो बी वाला ग्राफ है वो करेक्ट है, जो डी वाला ग्राफ है वो करेक्ट है। बट हमें क्या करना है, हमें तो दोनों की गलतियां निकालनी है। तो जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है। हीट एक्सचेंज हम एक्चुअली पढ़ के आए यहाँ पे, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। हीट एक्सचेंज क्या होता है, हीट एक्सचेंज हीट इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी हो गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, दैट क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। जो हीट कैपेसिटी है वो एम इंटू एस मास इंटू स्पेसिफिक हीट होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, इंटेंसिव है ना। और क्यू इज इक्वल्स टू एन सी एम डेल्टा टी, तो सी एम कितना हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, वो भी इंटेंसिव। अब आप कैसे पता लगाएंगे सर कि एक्सटेंसिव आ रहा है कि इंटेंसिव आ रहा है, कि आपको सर सपने में आ रहा है कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव है? अरे जी बड़ा आसान है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में सब्सटेंस का अमाउंट डिफाइन हो, जैसे पर ग्राम पर मोल, तो वो इंटेंसिव हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो हमारे पास एक सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी जिसके डिनोमिनेटर में हम लिखे हैं कि वो पर ग्राम या पर मोल है, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम पर ग्राम पर मोल वगैरह ना लिखे तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो ये जो हीट कैपेसिटी आएगा उसका यूनिट क्या होगा, हीट अपॉन टेम्परेचर चेंज, कहीं मास वगैरह तो नहीं आया ना, ये कैसा हो गया, एक्सटेंसिव। अगर मैं एस का यूनिट निकालूंगा तो एस क्या आएगा, हीट के नीचे मास, हीट अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो अपॉन मास आ रहा है तो इसके यूनिट के डिनोमिनेटर में मास तो आएगा ना, क्वांटिटी आएगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम अगर मैं सीएम के लिए निकालूं तो सीएम क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो एन मतलब है मोस, मोस भी क्या बता रहा है, क्वांटिटी, तो क्या आएगा मेरे पास, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन ये तीनों रिलेशन से हीट निकलती है, तो तीनों रिलेशन एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे तो आएगा हीट कैपेसिटी सी डैश इसिगस टू एम इनटू एस इसिगस टू एन इनटू सीएम। ठीक है, अब आपको ये तो रिलेशन पता है, सीपी माइनस सीवी इसिगस टू क्या होता है, सीपी माइनस सीवी मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्म में कितना होता है आर। बाकी रिलेशन भी आपको पता होने चाहिए, बस यहीं से इंटर कन्वर्जन करके निकाले गए क्या,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास इनटू आर। ये अभी आपके 2-3 साल पहले फिजिक्स में जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आया है। उन्होंने क्या कहा था, अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या आया था, आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में आया था, फिजिक्स के अंदर आया था ये क्वेश्चन, कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन गैस है और अगर आपके पास में हीलियम गैस है, इसके लिए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसको कह दिया सीपी, और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो है सीवी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है एक्स। अगर हीलियम की बात करें, इसके स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का वैल्यू सीपी और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू सीवी, इसका डिफरेंस है वाई। तो उसने पूछा कि एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास होगा सीपी माइनस सीवी, एक्चुअली स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 × r, ये कितना होगा सीपी माइनस सीवी। हीलियम के लिए निकाल रहा हूँ, हीलियम का मास कितना होगा 4, 4 × r, तो रिलेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 × x। ये आपके फिजिक्स ए में के अंदर आया था। वैसे अगर आप हीट कैपेसिटीज के फॉर्म में लिखें तो जाएगा सीपी डैश माइनस सीवी डैश इज इक्वल टू n × r, मोल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, और सिल्वर, सिल्वर के लिए आपको कहा है कि जो उसका हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर का भी फंक्शन है, क्योंकि क्या दिया, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 23 प्लस 0.01 × T, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन है। इफ टेम्परेचर टी ऑफ 3 मोल्स ऑफ द सिल्वर इज रेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 atm प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी। तो देखो हमें पता है एंथैल्पी क्या होता है, सीपी डैश इनटू टी, है ना, और अगर मैं एन मोल के लिए निकालूंगा, एन मोल अगर मुझे दे रखा है, सीपी डैश हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन इंटू सीपी इंटू टी हो जाएगा। तो एंथैल्पी का चेंज क्या होगा, अब एंथैल्पी का चेंज होगा चेंज ऑफ एन सीपी इंटू टी, इसमें एन तो बाहर निकाल दूंगा क्योंकि मोल फिक्स है, तो देखो एन मैंने बाहर निकाल दी, तो हो जाएगा डी एच, एंथैल्पी चेंज जो यहाँ पर आएगा, डी एच इज इक्वल टू चेंज ऑफ सीपी इंटू टी। इसमें हम सीपी बाहर नहीं निकाल सकता, क्यों, सीपी से फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का फंक्शन है तो नो डाउट उसके साथ में वेरी करेगा। अब देखेंगे एन सीपी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 23, और ये इसको मैंने डिफरेंशिएट करा था, तो टी की जगह क्या लिखेंगे, डी टी प्लस 0.01 × T·dt। पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास में डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनली 3 × क्योंकि 3 जो आपको दे रखा है मोल्स, 23 T2 − T1 प्लस 0.01 T2² − T1² / T। इसको अगर सॉल्व करें, ऑप्शन कर सकते हैं, बहुत आसान है, टी यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया 23। बच्चों देखो T2 − T1 क्या आ रहा है, T2 है 1000 और T1 कितना है 300, T2 − T1 कितना हो गया 700। अगर आप क्वेश्चन में आंसर चेक करें तो ये किलो जूल में दे रखा है, पर आपको जो हीट कैपेसिटी में वैल्यू दी है वो जूल के फॉर्म में दे रखी है, बच्चों उसको 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, अगर आप आंसर डिवाइड करना भूल जाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। फिर आगे 0.01 T2 − T1 / 2, तो देखो T2 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1000, T1 की वैल्यू कितनी है 300। अगर मैं T2 − T1 में 10 के अस में 100 में कॉमन लेके बाहर निकाल दूं तो 100 का स्क्वायर बार आ जाएगा, 10 की बार 4 हो जाएगा, तो अंदर मेरे पास में आएगा 100 − 9। ऐसा करने पे जब एक्सप्रेशन बचा वो कितना हो गया 3, ये मेरे पास हो जाएगा, उसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 ये हो जाएगा 23 × 7 / 10 प्लस ये मेरे पास होगा 10 की पावर 4 को, 10 की पावर 4 को अगर आप 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। और अगर इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना है ना, किलो जूल में कन्वर्ट करना है, इसको भी हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे ही करेंगे, अगर 1000 डिवाइड करेंगे तो सर ये ऊपर 10 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.1, और ये कितना हो गया 100 − 9 कितना हो गया 91 / 2। बस आप इस क्वेश्चन को इतने एक्सप्रेशन ना आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी बाय 5 kJ, मतलब 5000 जूल, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी। अगर एक आइडियल गैस के लिए बात हो रही है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी होता है, तो सीवी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 5000, कितना है मोल 4, डेल्टा टी कितना है 300 से 500 चला गया तो डेल्टा टी कितना हुआ 200, दो पे इसे काट देते हैं, काटने पे कितना आ गया 50 / 8, आंसर कितना आएगा 50 को 8 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास में 7
6.25, नेक्स्ट लुक, ये स्टेट वेरिएबल पाथ वेरिएबल पर, इसे मैंने सारे से टॉपिक अभी आपको समझा देता हूँ। स्टेट वेरिएबल क्या होता है और पाथ वेरिएबल क्या होता है, या स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल? ठीक है, वो वेरिएबल दैट द चेंज इन देयर वैल्यूज डिपेंड्स ओनली अपॉन चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता देना, HUGS और कौन कौन से होते हैं, देखो मास स्टेट वेरिएबल है, मोल्स स्टेट वेरिएबल है, डेंसिटी स्टेट वेरिएबल है, कंसंट्रेशन टर्म स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गए, तो हम जनरली जो आइडियल गैस के लिए आ सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो स्टेट वेरिएबल आ रहे हैं, मास मोल्स वगैरह तो होती है, पर मैं क्लास में याद कराता हूँ, पीवीटी, हक्स, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और हक्स HUGS। आइडियल गैस इक्वेशन में कितने स्टेट वेरिएबल होते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी एनटी चार स्टेट वेरिएबल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है पर याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन में चार स्टेट वेरिएबल इज ऑल्सो स्टेट वेरिएबल। अगर प्रेशर का चेंज करें तो वो स्टेट वेरिएबल है, वॉल्यूम का चेंज स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर का चेंज स्टेट वेरिएबल है। वैसे डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस भी स्टेट वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं वो, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। आगे तो आप बता सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, इसमें ये तीन मैंने कंपोनेंट लिखे है, कौन कौन सा स्टेट वेरिएबल है, जी डेल्टा यू स्टेट वेरिएबल है, क्यू और डब्ल्यू स्टेट वेरिएबल नहीं होते, ये होते हैं पाथ वेरिएबल। नीचे देखो क्या है, पाथ वेरिएबल, द चेंज इन देयर वैल्यूज डिपेंड ऑल्सो अपॉन पाथ और प्रोसेस यूज। ये केवल दो ही होते हैं पाथ वेरिएबल, एक तो क्यू और एक कौन सा होता है, दो पाथ वेरिएबल है क्यू और डब्ल्यू। टू पाथ वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हीट एक्सचेंज दो तरीके से हो सकता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट प्रेशर का हीट एक्सचेंज का वैल्यू कुछ और आएगा जबकि टेम्परेचर सेम हो रहा था, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में जो हीट एक्सचेंज होगा उसका भी वैल्यू कुछ और आएगा जबकि टेम्परेचर सेम। तो QP और QV दो अलग अलग बात हो गए, दो अलग अलग मेरे पास में। वैसे जो वर्क डन होता है, अगर मैं किसी भी गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से एक्सपेंशन करूं, तो एक्सपेंशन दो तरीके से कर सकते हैं हमारे पास में, चाहे एक ही कंडीशन हम यूज करें, एक होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन, दूसरा होगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दो अलग अलग पाथ है, और दो अलग अलग पाथ में जो वर्क डन होगा वो आएगा डिफरेंट। इसे वर्क इज ए स्टेट वेरिएबल। फ्री एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है बच्चों, फ्री एक्सपेंशन में कहते हैं कि आपको वर्क करने से कोई नहीं रोक रहा, तो ओवरऑल हमने कोई वर्क ही नहीं करा, फ्री एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आपको याद क्या रखना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। अगर कोई कहे कि एक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस इंटरनल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेंगे। जैसे ही आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हल्का सा भी डिस्टर्ब करेंगे, हल्का सा भी डिस्टर्ब करेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा उसके अंदर, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने लग जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है, और मैंने इंटरनल प्रेशर को बहुत ही स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज करा, अब यहाँ पर क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंशन से क्या होगा, फिर से इंटरनल प्रेशर ड्रॉप होगा, इंटरनल प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर फिर से इक्वल हो जाएगा, तो गैस एक्सपेंशन बंद कर देगी। अगर हमें कहोगे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को स्मॉल अमाउंट से बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर गैस जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। गैस कंप्रेस होगी तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस तब तक ही कंप्रेस होगी जब तक उसका प्रेशर इंक्रीज होकर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल। फिर इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसके दौरान इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होता, और साथ साथ में एक्सटर्नल प्रेशर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। ये प्रोसेस कब रुक जाएगा, जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दैट मींस जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। मैकेनिकल वर्क,
तो देखो मैकेनिकल वर्क क्या है कि मेरे पास में एक चैम्बर है ना, उस चैम्बर में मैंने यहाँ पर एक गैस फिल कर दी, क्योंकि सभी नीले कलर की जो है पानी नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने नीले कलर का कह दिया ये कोई गैस, गैस का प्रेशर है पी इंटरनल, और ये जो रासायनिक पिस्टन है इस पे जो प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ से सराउंडिंग की तरफ से वो क्या है पी एक्सटर्नल। दैट सिस्टम जो है वो किसी डीवी वॉल्यूम से ऊपर जा रहा था या डीवी वॉल्यूम से नीचे आ रहा था, कुछ भी हो रहा है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी हम लिखेंगे मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, ये बराबर से स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर मैं कंप्लीट चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं V1 से V2 मतलब V नेचुरल से V फाइनल, तो फॉर कंप्लीट चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डीवी फ्रॉम V1 टू V2, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम V1 टू V2। अब देखो बात सुनो, अब हम फंस गए, बस गए कैसे, इंटीग्रेशन में हमने लिमिट किसके लगाई है वॉल्यूम की, पर इंटीग्रेशन के अंदर कौन फंसा है, प्रेशर भी फंसा है, भी मजा कर सकते हैं कि वॉल्यूम की लिमिट लगा अगर प्रेशर को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इसमें कंडीशन, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्सटर्नल प्रेशर को बाहर ले आएंगे, तो देखो क्या है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, कैसा भी आप कंडीशन यूज करें, आइसोथर्मल ठीक है, आइसोथर्मल यूज करो, एडियाबेटिक यूज करो, दोनों में से कोई भी कंडीशन आप यूज करो, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वर्क डन मेरे पास में आएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पर अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मैं एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बट अब मैं फिर से फंस गया, एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल सब्स्टिट्यूट तो कर दिया पर मैं फिर से फंस गया, कैसे फंस गया, मैंने क्या करा, एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल सब्स्टिट्यूट करा पर मैं फंस गया, फंस क्यों गया, क्योंकि इंटरनल प्रेशर जो है वो तो वॉल्यूम के साथ में वेरी कर रहा होगा, अगर वो वेरी कर रहा होगा तो मेरे पास में प्रेशर और वॉल्यूम का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स अब हमारे बात प्रॉब्लम में आए क्या, कि सर अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही है, और अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया है तो पक्का उसने झक मार के गैस के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम में कोई रिलेशन दे रखा होगा, जैसे कोई कंडीशन का नाम दे रखा होगा, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, कुछ भी आपको कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को यूज करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है, और आई होप आप सबको इंटीग्रेट करना आता। आगे रिवर्सिबल थर्मोनिक प्रोसेसेस फॉर आइडियल गैस सिस्टम क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, जो वर्किंग इक्वेशन है वो क्या होती है, PV इक्वल टू NRT में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भाई N तो फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, PV इक्वल टू NRT पूरा ही क्या हो गया कांस्टेंट, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए इंटरनर्जी का चेंज कितना होता है, NCV डेल्टा T, N फिक्स रखा, CV भी फिक्स है, टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करा तो डेल्टा U में ऊपर क्या होगा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, जी फर्स्ट लॉ सर होता है, फर्स्ट लॉ सर हम लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, सर ऐसा लिखते हैं तो हमने डेल्टा यू तो हमने जीरो कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज है वो माइनस ऑफ वर्क डन है, हीट एक्सचेंज माइनस ऑफ वर्क डन है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर इस वाले केस में अगर वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा तो हीट एक्सचेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव, हीट एक्सचेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव, डेट मीन्स एक आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम बाहर से हीट एब्जॉर्व करता है और वो सारी सारी हीट वर्क एनवायरनमेंट कर देता है, और अगर ये जो वर्क डन है वो आपके पास में आए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कंप्रेशन हुआ है, अगर कंप्रेशन हुआ है तो क्यू कैसा है, नेगेटिव, दैट मींस एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस क्या करती है, उससे हम जो काम कर रहे हैं सराउंडिंग जो है जो गैस के ऊपर काम कर रहा है, काम करने पर गैस क्या करेगी, जो भी एक्स्ट्रा हीट वो यूज कर रही थी जो वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा था उस हीट को यो क्यों रिलीज कर देगी। अब जो वर्क डन मेरे पास में है क्योंकि मैंने यहाँ पर पी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से अब आपको ये बता दिया पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी हो गया, ओके यहाँ पर देखो क्या लिखा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जो प्रेशर ऑफ गैस का लिखेंगे एनआरटी अपॉन वी डॉट डीवी, एनआरटी वो कॉन्स्टेंट है वो हमने बाहर निकाल दिए, तो डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन V1 से V2 कितना होता है, लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, उसी तरीके से हमें पता है लेट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल कंडीशन में, तो हम V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन V2 भी लिख सकते हैं, और क्या चेंज कर सकते हैं, हम NRT को या तो P1 V1 या P2 V2 लिख सकते हैं, ओके ये हमारा हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस,
एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। सिस्टम सराउंडिंग के बीच की बाउंड्री अगर नॉन कंडक्टिंग होगी तो उनके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगा देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है और डेल्टा यू का वैल्यू कितना होता है आइडियल गैस के लिए, एन सी वी डेल्टा। अब इसमें जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, देखो हम ये क्लास टू टीचिंग वगैरह जो होती है उसमें हम लोग पूरा डिराइव करते हैं, सब लोग हमने क्लास में डायरेक्ट करते हैं चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, पर अभी आपको याद रखना है क्या इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है पी वी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लेट वो कांस्टेंट के। उसी इक्वेशन क्या टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वो कांस्टेंट के टू है। बच्चों वो दोनों कांस्टेंट अलग है, ऐसा मत कह देना कि पी वी गामा इज इक्वल्स टू टी वी गामा माइनस वन। बच्चों हमारे पास में जो टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी गैस डॉट डी वी। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा डब्ल्यू टोटल इज इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, रिलेशन आपने डिराइव करा था बहुत पहले, अब याद रखते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन, ये रिलेशन आएगा और ये हो जाएगा एन सी वी टी टू माइनस टी वन, क्योंकि अभी हमने निकाला कि जो वर्क डन है वो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है। तो देखो पर क्या है डेल्टा यू, व्हाट इज इंटर एनर्जी, द चेंज इन इंटर एनर्जी इज इक्वल्स टू एडियाबेटिक वर्क। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बाय डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्वेश्चन क्या है बाय डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, बाय डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं किसी गैस का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो अगर आप रिवर्सिबल पाथ से करेंगे तो ये आपके पास में रिवर्सिबल पाथ है। ठीक है, अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, देखो आपको बताया डब्ल्यू इरिवर्सिबल जो होता है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल जो होता है पेन से लिख लेते हैं, जो डब्ल्यू इरिवर्सिबल होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना। तो ये मेरे पास में डब्ल्यू इरिवर्सिबल है, जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बना रखा है वो मेरे पास में हो जाएगा डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो ये जो एरिया है वो डब्ल्यू इरिवर्सिबल को बता रहा है, और ये एरिया प्लस ये ब्लू कलर का एरिया टोटल एरिया मुझे बता रहा है डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो कौन सा वर्क डन ज्यादा हुआ, अगर मैं किसी गैस को एक्सपेंड करूँ रिवर्सिबल पाथ या इरिवर्सिबल पाथ से, कौन सा पाथ में गैस जो है वो ज्यादा काम करेगी, गैस ज्यादा काम करेगी रिवर्सिबल पाथ में। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, और डब्ल्यू इरिवर्सिबल कितना होगा डब्ल्यू। तो देखो फिर से कहता है, अगर हमारा नौकर हमारा सर्वेंट गैस है, हमें गैस से ज्यादा काम कराना है, तो हम अपने सर्वेंट से कौन से मिनट में ज्यादा काम कराए, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, हम रिवर्सिबल मिनट में ज्यादा काम कराएंगे तो वो रिवर्सिबल मिनट में क्या करेगा हमेशा ज्यादा काम करेगा, और इरिवर्सिबल में वो कम काम करेगा। देखो आप याद क्या रखेंगे, बाय रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो जो आपके पास में डब्ल्यू इरिवर्सिबल आएगा ये नीचे वाला एरिया आएगा, और जो डब्ल्यू रिवर्सिबल आएगा ये नीचे वाला एरिया प्लस ऊपर वाला जो ब्लू कलर से मैंने शेड कर रखा है वो भी आएगा। नो डाउट जो टोटल एरिया आएगा ब्लू और रेड वाला एरिया वो रेड वाला एरिया से ज्यादा ही है, इसलिए जो डब्ल्यू रिवर्सिबल होगा डब्ल्यू इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल, अब लेस देन की बात होगी ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द गैस, गैस को कंप्रेस करने पर वो उससे कम क्यों आएगा, इसका कारण क्या है, अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस कर रहा हूं तो गैस को कब तक कंप्रेस करूंगा, जब तक उसका प्रेशर फाइनली जो है गैस का प्रेशर बढ़ते हुए एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो यहां पर मेरे पास में जो फिर से बात आती है कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या होता है, जो डब्ल्यू इरिवर्सिबल होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है पी एक्सटर्नल पी टू माइनस वी वन, कितना होता है पी एक्सटर्नल पी टू माइनस वी वन। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास में पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन का जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, ये पूरा पूरा एरिया है, कौन सा आएगा ये पूरा एरिया। तो इसका जो एरिया आएगा मेरे पास में वो ये वाला एरिया होगा, और जो डब्ल्यू रिवर्सिबल है उसका कौन सा होगा ये नीचे वाला एरिया होगा। इसलिए अगर किसी गैस के एक्सपेंशन की बात हो रही है, गैस अगर काम कर रही है तो गैस रिवर्सिबल मैनर में ज्यादा काम करती है, अगर गैस में हम लोग काम कर रहे हैं सराउंडिंग काम कर रहा है तो हम इरिवर्सिबल मैनर में उस पर ज्यादा काम करेंगे। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो
आइसोथर्मल प्रोसेस की वर्किंग कंडीशन क्या है कि जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो रिलेशन क्या है, पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी। अगर हम एडियाबेटिक की बात करें या कहीं इसको ऐसे लिखेंगे पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर हम एडियाबेटिक की बात करें तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा। गामा 1 से बड़ा होता है, जो गामा वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं तो जो प्रेशर का डिक्रीमेंट होता है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वो आइसोथर्मल में स्लो होगा और एडियाबेटिक में फास्ट होगा, और एडियाबेटिक में ज्यादा भी होगा। अगर एडियाबेटिक में ज्यादा होगा तो मेरे पास में जो एक्सपेंशन वाला वर्क आ रहा है वो एडियाबेटिक का वर्क कौन सा है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो एडियाबेटिक का वर्क डन है, और जो आइसोथर्मल का वर्क डन है वो कौन सा है, ग्रीन प्लस रेड। तो कौन सा वर्क डन ज्यादा हुआ, आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा हुआ। तो जब एक्सपेंशन की बात करते हैं तो आइसोथर्मल वर्क डन ज्यादा होता है और एडियाबेटिक वर्क डन कम होता है। इसका जस्ट उल्टा, जब कंप्रेशन करते हैं तो होगा, जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे होते हैं तब एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन ज्यादा होगा और आइसोथर्मल में वर्क डन कम होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर कंप्रेशन, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास में जो डब्ल्यू एडियाबेटिक आएगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन डब्ल्यू आइसोथर्मल। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए हैं, ये सब कुछ हम क्लास में अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर है, आप उनको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द गैस, करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन ऑफ द गैस, ये भी करेक्ट है। फिर आप ढंग से देखो, सुनना, अब बताओ कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है। अगर मैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा हूं तो एक्सपेंशन जो है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा या इरिवर्सिबल में, नो डाउट रिवर्सिबल में ज्यादा होगा। अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा तो हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस अगर एक्सपेंड होती है तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। गैस जितना ज्यादा वर्क करेगी एक्सपेंड होने में, गैस का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा घटेगा। तो ज्यादा वर्क तो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है तो ज्यादा टेम्परेचर भी रिवर्सिबल प्रोसेस में डिक्रीज होगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर रिवर्सिबल प्रोसेस में डिक्रीज होगा तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो रिवर्सिबल का कम होगा और इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं कंप्रेशन की। अगर मैं किसी गैस को एडियाबेटिक कंप्रेशन पे ले जाऊं, गैस को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो गैस को कंप्रेस करने पर क्या होगा, गैस को कंप्रेस करने पे हम वर्क कर रहे होंगे। अगर हम वर्क करेंगे तो हम कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा करेंगे, हम एरिविजन प्रोसेस में वर्क ज्यादा करेंगे। अगर एरिविजन प्रोसेस वर्क डन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा, तो टी फाइनल इरिवर्सिबल जो होगा वो टी फाइनल रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। फिर अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा होता है कंप्रेशन में या रिवर्स आइसोथर्मल का, तो एडियाबेटिक का वर्क डन ज्यादा होता है। तो ये सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट थे। ये तो बस आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग गिवन इक्वेशन ऑफ द स्टेट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग गिवन इक्वेशन ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट हीटिंग ऑफ द गैस ऑन एक्सपेंशन। गैस को एक्सपेंड करने में गैस का हीटिंग हो रहा है। सबसे पहले पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और गैस कौन सी जी, आइडियल गैस है। अगर पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो हमें पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम लगाते हैं, ये तो हमारे पास में टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को बता रहे हैं। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास में, अगर टेम्परेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो हीटिंग की तो बात ही नहीं होगी। पीवी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पीवी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम बच्चों एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन करने पे, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन करने पे गैस का क्या होता है, कूलिंग होता है, हीटिंग नहीं होता, क्या होता है, कूलिंग। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं। फिर पीवी गामा माइनस वन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, पीवी की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। अगर ये मेरे पास में आ रहा है तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/p, पी अपॉन बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो बच्चों एक बात आप याद रखना, जब भी पी वी की पावर एक्स दे रखी है और एक्स की वैल्यू 1 से कम है, वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो एक्सपेंशन जो होगा, एक्स वैल्यू अगर 1 से कम है एक्सपेंशन जो होगा उसमें क्या होगी, हीटिंग होगी। और अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होगी, कूलिंग। गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा तो क्या होगी, कूलिंग। और अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ना तो हीटिंग होगी और ना ही कूलिंग, समझ गए। तो अगर x की वैल्यू 0 है,
यहाँ पर क्या होगा, हीटिंग होगा। देखो हीटिंग कैसे प्रूव करूंगा, अगर पीवी की पावर 0 कह रहा हूं तो पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो गया कॉन्स्टेंट। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए। तो अगर प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या हो रही है हीटिंग। तो प्लीज आप मेरी बात को अच्छे से याद रखें, क्या अगर पीवी की पावर एक्स एक वर्किंग स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट है और अगर एक्स का वैल्यू जो है वो 1 है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कूलिंग होगा, और एक्स का वैल्यू अगर 1 से कम है तो एक्सपेंशन पे हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जेई के अंदर दिया था, द प्लॉट The combination of plots which does not represent isothermal expansion of an ideal gas. तो देखो क्या है, first pressure और 1/V में, pressure और 1/V में इस तरीके से straight line आएगी। अरे आएगी ना यार, PV is equals to क्या होता है nRT, है ना। तो PV क्या है मेरे पास में, constant है। अगर PV constant है तो ये मेरे पास में करेक्ट है, करेक्ट ग्राफ है। हमें क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बी वाला ग्राफ। ये तो हमारे क्वेश्चन का आराम से आंसर हो जाएगा, पी और बीएम का ये वाला ग्राफ नहीं होता। पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर के साथ में वेरी नहीं करेगा, तो ये ग्राफ तो करेक्ट है पर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात है, हमें क्वेश्चन के अंदर गलत चीज ढूंढनी है, हमें सही चीज नहीं ढूंढनी, क्योंकि एग्जामिनर को बताया हम गलती आसानी से ढूंढ सकते हैं ना, हम किसी की अच्छाई आसानी से नहीं ढूंढ सकते। फिर डी, ये कह रहा है यू और बी में देखो इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्राफ गलत है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि गलत चीज को टिक करवा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी और। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, जहां पर T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा है। द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम विल बी। तो देखो हमें पता है कि बर्गडन का एक्सप्रेशन अगर मैं इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालूं तो वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, एन आर टी लॉग ऑफ बी फाइनल माइनस लॉग ऑफ इनिशियल। तो ये हो जाएगा एन आर टी लॉग ऑफ बी फाइनल माइनस ऑफ एन आर टी लॉग ऑफ इनिशियल, इतना आएगा, है ना। अगर इतना मेरे पास में आ गया तो देखो इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ, ये मेरे पास में वाई एक्सिस बना, ये मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया एम, ये क्या हो गया एक्स, और ये मेरे पास में क्या हुआ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या बनी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन क्या बनी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, प्लस सी नहीं बना माइनस सी बना। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसा है, नेगेटिव। अब ढंग से नोट करें, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इंटरसेप्ट और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा, नो डाउट पक्का टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो दो अलग अलग ग्राफ आएंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये जो सी वाला ग्राफ है वो गलत हो गया, बी वाला ग्राफ गलत हो गया, या तो ग्राफ ए वाला करेक्ट है या ग्राफ बी वाला करेक्ट है। अभी इंटरसेप्ट से आंसर निकालेंगे, देखो जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव होने चाहिए, जबकि ए वाला ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है वो T1 टेम्परेचर पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस अंडरगोज, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 m³ टू 1 m³ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है, दैट मींस प्रोसेस कैसा होगा, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है और कह रखा कांस्टेंट है, तो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। आगे कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होगी, देखो ये जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन का प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होती है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट लिबरेट होती है। तो पहले निकाल देते हैं वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल P2 माइनस P1। पी एक्सटर्नल बच्चों कितना दिया क्वेश्चन में, पी एक्सटर्नल की वैल्यू दी है आपको 4 दी है। अगर पी एक्सटर्नल 4 दिया है तो 4 न्यूटन मीटर माइनस 2, मीटर माइनस 2 हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और जो आपको वॉल्यूम दिया है कितना दिया है वो 5 से बन जा रहा है, तो 1 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 16
जूल, ये वर्क डन है। हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू जो है वो तो जीरो आएगा फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो मेरे पास में ये जो क्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 16 जूल। अब जो हीट लिबरेट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 16 जूल। ये हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक मोल एल्यूमिनियम, तो मेरे पास में हो जाएगा एक मोल एल्यूमिनियम मतलब एन इंटू सी एम इंटू डेल्टा टी, एक मोल है। इसका हीट कैपेसिटी कितना दिया आपको, 24, और हमें इसका टेम्परेचर चेंज निकालना है। तो जो इसका टेम्परेचर चेंज आएगा वो आएगा 16/24, तो हो जाएगा हमारे पास में 2/3 इन टर्म्स ऑफ केल्विन, इतना चेंज आएगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of following equation does not correctly represent? अब नोट करें कि कितने सारे क्वेश्चन में आते हैं कि does not correctly represent, कौन गलत है। तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन में गलतियां ही ढूंढनी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो which of the following equation does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given processes involving an ideal gas? तो देखो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में Q is equals to minus और W होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चों जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिस साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पास जो डेल्टा यू है उसके लिए जीरो होता है, और अगर डेल्टा यू जीरो होगा तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस और डब्ल्यू तो आना ही आना है। तो ये तो करेक्ट है, पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो गलती है। बी, एडियाबेटिक प्रोसेस, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस और डब्ल्यू, गलत। अरे वो तो प्लस और डब्ल्यू होता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बाकी आप चेक कर सकते हैं, फ्री है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब और आज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोस अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ए बी सी एज शोन इन द फिगर। तो हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है ग्राफ, हमें इसे वर्क डन निकालना है। कैसे वर्क डन निकालेंगे, पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, इस रेक्टेंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे और उसके एरिया को ऐड कर देंगे। जो भी एरिया होगा वो टोटल वर्क डन का हमें मैग्नीट्यूड दे देगा। तो जैसे अगर आप इसका एरिया निकाले, इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू का चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 से लेके 8, 6। यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू का चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 से लेके 8, वो भी है 6। अगर आप यहाँ का एरिया निकालें तो यहाँ एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ जो बेस है बच्चों वो कितना है, 8 से 12, मतलब चेंज कितना आ गया, 4 का। और जो यहाँ पर हाइट है वो हमारे पास में है 2 से लेकर 8, वो कितना हो गया, 6। तो कैंसिल करें तो ये मेरे पास में हो जाएगा 12, और ये वैल्यू कितना है, 36। तो अगर आप वर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 14। और अगर ये एक्सपेंशन का वर्क है तो वर्क कितना आएगा, माइनस का 14 इन टर्म्स ऑफ जूल आएगा, क्योंकि प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम जो दिया है वो मीटर क्यूब में दिया। ओके, अब हमारे पास में जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है वो पूरा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, और वो पढ़ते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम। जब भी कोई आपको कहे कि आपको किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है, क्या निकालना है आपको, एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो आप इस जनरल एक्सप्रेशन को याद रखना, दैट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज हीट एक्सचेंज डन बाय द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसके अंदर अगर प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, और मैं आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूं, तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उस केस में टोटल एंट्रोपी चेंज होता है 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1 टू द बेस 10। ये कैसे आया, आपको बताया कि जो हीट एक्सचेंज होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो होता है 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। तो अगर 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1 को मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 2.303 एन आर log V2 upon V1 to the base 10। Next, isochoric process. जो isochoric process है उसमें heat exchange को क्या लिखते हैं, NCVdT। कितना लिखते हैं, NCVdT। तो यहाँ पर मैं जो heat exchange है उसको लिखूंगा NCVdT। तो NCVdT divided by T का integration करने पे value हो जाएगा 2.303 NCV log T2 upon T1 to the base 10। वैसे ही अगर process isobaric हो तो isobaric process में pressure constant होता है, उसका heat exchange हम क्या लिखते हैं, NCPdT। क्या लिखते हैं, NCPdT। तो NCPdT डिवाइडेड बाय T का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.303 NCP log T2 अपॉन T1। उसके बाद
अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी प्रोसेस, आप एक स्टेटमेंट याद रखे ना, ये एक तरीके का ट्रिक है जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस का जो नाम स्टार्ट हो रहा है वर्ड आइसो से, जैसे आइसो थर्मल है, आइसो कोरिक है और आइसो बारिक है, तो चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल फॉर्म में हो या इरिवर्सिबल फॉर्म में, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज दोनों ही केसेस में सेम आएगा. तो क्या है, इफ नेम ऑफ अ प्रोसेस स्टार्ट्स विद द वर्ड आइसो देन फॉर द सिस्टम डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सिबल. आप इसे याद रख लेंगे क्या, अगर प्रोसेस का नाम आइसो से स्टार्ट हो रहा है तो उसका चाहे प्रोसेस वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, दोनों केस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज सेम आएगा. अगर प्रोसेस एडियाबेटिक की बात करें तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में आइसो तो आ नहीं रहा ना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल फॉर्म में है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, बट अगर वो इरिवर्सिबल फॉर्म में है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है. कैसा होता है, पॉजिटिव. ओके, याद रखना एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस के अंदर क्या नहीं होता, एंट्रोपी चेंज सेम नहीं आता. नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग. सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज निकालेंगे कैसे, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो देखो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है स्टूडेंट्स वो होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. अब अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए टोटल डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आता है, जीरो. तो अगर मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, और आपको डेल्टा एस सिस्टम निकालना तो आता ही है, अब इसी इसको सॉल्व कर लेंगे. फिर अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. यहाँ पर क्यू सिस्टम का एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, अगर सिस्टम और उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहा है तो एन सी वी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है तो एन सी पी डेल्टा टी. अगर आइसोलेशन प्रोसेस है तो उस तरीके से आप निकाल देंगे 2.303 एनआरटी, जो भी आपके सिस्टम का हीट एक्सचेंज है वो आप लिख देंगे, डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग. यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होगी, इंटीग्रेशन के अंदर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं लेंगे. एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उस केस में टोटल एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तभी वो प्रोसेस फिजिबल होगा. नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होता है सबको पता है, जब डेल्टा जी सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव. डेल्टा जी सिस्टम अगर नेगेटिव है प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस. और जब डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जब ये हमारे पास में पॉजिटिव आएगा तब भी प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. क्यों होगा, क्योंकि एक इक्वेशन है जो कि उसने दी थी दैट डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. तो अगर डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस टोटल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. एक और इक्वेशन गिब्स ने दी थी, वो क्या था, दैट डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस ऑफ टी डेल्टा एस सिस्टम. याद रखना यह सिस्टम है या टोटल नहीं है, ठीक है. ऊपर क्या था, डेल्टा एस टोटल, यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस सिस्टम. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी कब कब नेगेटिव हो सकता है और कब कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. फर्स्ट केस, अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है. तो अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव करने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा. अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, साथ साथ में जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो भी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए. तो an endothermic process is spontaneous if delta S system is positive and T delta S is greater than delta H system. अगर कोई process exothermic है, इसका value negative है, देखो अगर ये negative है तो delta G के negative होने के chances ज्यादा हो जाएंगे. इस case में अगर entropy change positive हो तो मजा ही आ जाएगा. कैसे, हमेशा delta G कैसा आएगा, negative. तो वो process जिसमें delta H का value negative हो और एंट्रोपी चेंज हमारे पास में कैसा हो, पॉजिटिव हो, वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होता है. अब अगर मेरे पास में डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है, यहाँ पर वो नेगेटिव आ रहा है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो टी डेल्टा एस जो है मेरे पास में टोटल कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्म, और माइनस टी डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव टर्म. तो अब पीछे वाला पार्ट एक पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे वाला पार्ट एक नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तब हम चाहेंगे कि जो टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डेल्टा एस से कम होना चाहिए. अब एक और आपको बात बता दूं, अगर कोई आपको कहे कि डेल्टा जी को मुझे जीरो करना है, तो देखो डेल्टा जी कब जीरो हो सकता है, तो इसकी शर्त है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज और सिस्टम का साइन सेम होना चाहिए.
या तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव हो या डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों का साइन अलग अलग होगा तो सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव नहीं करेगा। अब इस पर बेस देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका। द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, दैट एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अरे गलत बात है यार, इधर देखो कैसे, एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये बात तो हमारे पास में करेक्ट है ना, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से रैंडमली चेंज होती है, ये करेक्ट है। साथ साथ में एक और रिलेशन बताया, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू सिस्टम अपॉन टी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तो टेम्परेचर आ रहा है, इसलिए एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज दोनों ही टेम्परेचर का फंक्शन है। इस स्टेटमेंट को अगर आप समझ गए तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, जहां पर एंट्रोपी डिक्रीज होगी, फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2, तो N2 प्लस 3H2 ये ट्वाइस NH3 करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। पहले नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने पे कितने थे, 4, अब कितने हो गए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर डिसोसिएशन करेंगे कैल्शियम सल्फेट का, तो डिसोसिएट करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और SO3 गैस बनेगा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। सब्लिमेशन करने पर क्या होगा, सॉलिड से गैस बनेगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। और डिसोल्यूशन प्रोसेस में भी क्या होगा, एक सिस्टम में दूसरा सिस्टम एंटर कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो इंटरमिक्सिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास में we have two blocks of same metal having same mass and at temperature T1 and T2 respectively. These blocks are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy delta S for the process is, देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें लेट मान लेते हैं दो ब्लॉक हैं, एक तो A है और दूसरा B है। जो A है उसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस हो जाएगा सीपी इनटू उसके टेम्परेचर का चेंज अपॉन टेम्परेचर इसका इंटीग्रेशन। वैसे ही डेल्टा एस बी इज इक्वल टू उसका हीट कैपेसिटी सीपी डेल्टा टी अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन, इससे बन जाएगा डेल्टा एस ऑफ ए इज इक्वल टू सीपी ln टी फाइनल अपॉन इसका जो टी इनिशियल आएगा ए वाले ब्लॉक का वो टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। वैसे बी वाले ब्लॉक के लिए क्या मानेंगे, ये हो जाएगा सीपी ln टी फाइनल अपॉन टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा, अगर डेल्टा एस प्रोसेस आपसे पूछा है तो हो जाएगा डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी, तो इन इक्वेशंस को ऐड करें तो बन जाएगा सीपी ln टी फाइनल अपॉन T1 प्लस सीपी ln टी फाइनल अपॉन T2, ये बन जाएगा सीपी ln टी फाइनल का स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2, बस यही तो बनेगा। इसमें अब टी फाइनल है कितना, देखो टी फाइनल होता है अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ही ब्लॉक्स का सेम मास हमने उठाया है, तो अगर सेम मास उठाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा t1 t2 बाय 2, ये हो जाएगा। बस इस एक्सप्रेशन को अगर आप यहाँ पे रखें तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस हैज डेल्टा एच इक्वल टू 200 जूल पर मोल एंड एंट्रोपी चेंज इज 400 जूल केल्विन पर मोल, आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेंपरेचर अबव व्हिच द प्रोसेस विल बी स्पॉटेड। देखो सबसे पहले बताओ, डेल्टा एच पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जा सकता है। तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर मैं डेल्टा जी को जीरो करूंगा एट इक्विलिब्रियम तो मेरे पास में जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना गिवन है 200, डेल्टा एस कितना गिवन है 40, इसको यूज करेंगे तो कितना आएगा 5 केल्विन। तो इस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो 5 केल्विन है, और आप लोगों को पता है कि अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक हो उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो आपको पता है तो उसके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के आगे वाले टेम्परेचर पे वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्वेश्चन क्या है, चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव व्हिच प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, दैट मींस हमें वो टेम्परेचर सेलेक्ट करना है जो उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 5
केल्विन बन जाएगा। अब ये हमारा इस वेबिनार का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। वो कौन सा प्रोसेस है जो हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा? तो देखो, अभी मैंने आपको कहा था जिसके लिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो और जिसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, वो हमेशा ही कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। उसका डेल्टा जी लेस देन जीरो आएगा ऑलवेज, है ना। तो देखो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो ऑप्शन ए है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, अब हमें क्या डिस्कस करना रह गया है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन जेई मेंस। तो देखो सेक्शन क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री। अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो देखो 2000 से 2018 तक टोटल 13 क्वेश्चंस आए थे, और 2019 और 2020 की बात करें तो 2019 में इस सेक्शन में से 4 क्वेश्चंस आए थे, और 2020 तो जनवरी में जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब मैकेनिकल वर्क, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये जो हमारे पास सारे कंसेप्ट हैं, एक स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इसमें टोटल 2000 से 2018 में केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स की बात नहीं करें, केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर 7 क्वेश्चन आए थे। 2019 में इस सेक्शन में से 8 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, समझ रहे हैं? 2019 में सेक्शन में से काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आए। फिर 2020 में जो आपने जनवरी में दिया था, इसमें जनवरी वाले के अंदर उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब एंट्रोपी की बात करें, स्पॉन्टेनिटी की बात करें, गिब्स एनर्जी चेंज की बात करें, तो इस सेक्शन से 2000 से 2018 तक टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। ओके, 2019 में इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे, और 2020 जो अभी आपने जनवरी में सोच दिया है उसमें टोटल 2 क्वेश्चन। ओके, तो ये हमने एनालिसिस कर लिया। इस एनालिसिस से क्या पता लगता है कि 2019 में इसका बहुत ज्यादा वेटेज था, यहाँ पर देखो 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से, है ना, 4 क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से, और 7 क्वेश्चन हमारे पास भी, तो ये 15 और ये 19 क्वेश्चन आए थे 2019 में। ओके, 2020 में जनवरी वाले की बात करें तो जनवरी वाले देखो 2 क्वेश्चन हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री से मिले थे, 3 क्वेश्चन हमें इस वाले फर्स्ट लॉ से मिले थे, 2 क्वेश्चन हमें इससे मिले, तो अभी तक 7 क्वेश्चन ही आए। तो अभी बहुत इसको बाकी है, तो हो सकता है कि इस बार जो आपका जो भी आने वाला जनवरी इसमें जो जेई मेन होने वाला है, अब नहीं पता कौन से मत में आपका होने वाला है एग्जैक्टली, तो उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स का है, थर्मोकेमिस्ट्री का है, उसका वेटेज ज्यादा आए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वेबिनार पसंद आया होगा, और प्लीज इस वेबिनार को फिर से आप गो थ्रू करें, और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।